हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 9 में हम लोग आते हैं। चलिए, 8 लेक्चर तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक कंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज जो है हमको इलेक्ट्रिक सेल पढ़ाना है, किरचॉफ्स लॉ के बारे में बताना है, फिर आपको जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बताना है, फिर आपको उसका अप्लीकेशन बताना, मीटर ब्रिज बताना है, फिर आपको पोटेंशियोमीटर बताना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक हम लोग इस सेशन में चलेंगे इसमें, ठीक है। जहाँ तक हो जाएगा कोशिश करूँगा मैं ख़त्म करने का, ठीक है, कि इसका रिवीजन हो जाए ताकि क्वेश्चन लगना शुरू हो जाए। अब देखिए, इसमें क्रैश कोर्स में आज का जो दिन है 31 जुलाई है, कितना है, 31 जुलाई। चलिए भाई, 31 जुलाई 2020, ठीक है, ये है। अब हम इसमें चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन में, जिसमें लेक्चर 9 है ये, ठीक है, लेक्चर 9। तो लेक्चर 9 में अब सबसे पहली शुरुआत इलेक्ट्रिक सेल से हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, ये देखो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है भाई। अब इसमें क्या क्या आता है, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें? या तो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो सेल के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ग्राफ आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या क्या चीजें हैं सेल में देखा जाए। सबसे पहले आप जानते हैं कि सेल में क्या होता है, एक ईएमएफ होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब सेल क्या होता है, ओपन सर्किट में होता है, मतलब सेल का कोई काम नहीं करते हैं, मतलब ईएमएफ सेल का क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, व्हेन सेल इन ओपन सर्किट, ये ध्यान देना, व्हेन सेल इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, देखिए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब हम उसका कोई काम नहीं रहे हैं। जैसे अपने घरों में आप लोग ड्राई सेल लाते हैं ना, अपने घरों में रखते हैं, तो ऐसे ले आके रखा गया है, किसी ना क्लॉक में लगा है, ना वॉच में लगा, कहीं ना लगा है ना, ठीक है, टॉर्च में लगा है, ऐसे ले आके रखा गया है। तो सेल ओपन सर्किट में, तो जो उसका पोटेंशियल होता है उसी को उसका ईएमएफ कहते हैं। तो व्हेन सेल इन ओपन सर्किट, पोटेंशियल क्या कहना है, पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है, इस कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, ईएमएफ कहते हैं उसको, ईएमएफ कहा जाता है, यानी पोटेंशियल ऑफ सेल इस कॉल्ड ईएमएफ। सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको बच्चों क्या कहते हैं, हम ईएमएफ कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ सेल इस कॉल्ड ईएमएफ। व्हेन सेल इन ओपन सर्किट, पोटेंशियल ऑफ सेल इस कॉल्ड ईएमएफ, मतलब सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है, ठीक है। व्हेन सेल इन क्लोज सर्किट, ये ध्यान दीजिएगा, व्हेन सेल इज क्लोज्ड सर्किट, देखिए अगर सेल क्लोज सर्किट में होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसमें दो केस होगा, एक चार्जिंग का केस होता है और एक डिस्चार्जिंग का केस होता है। देखिए अगर चार्जिंग के केस में हम चलते हैं, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में पहले चलते हैं, ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में अगर हम चलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए सेल दिया गया है, सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये देखिए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, और ये इसका ईएमएफ है, ये देखिए इसका ईएमएफ है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्रकार से करंट ऐसे आएगा, बोलो भाई, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्रकार से करंट आएगा, ठीक है। याद रखना रेजिस्टर में जिधर से करंट प्रवेश करता है उसका पहला सिरा पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। ये देखिए रजिस्टर में पहला करंट एंटर कर रहा है, तो इसका पहला सिरा पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, ये देखिए सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी इक्वल टू ई माइनस कितना हो जाएगा, आई आर, जहां ई ईएमएफ ऑफ सेल है, आई करंट है जो सेल से निकला है, और आर जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा, ये देखिए आई करंट हो गया, आर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। और अगर चार्जिंग ऑफ सेल होता है, ये देखिए चार्जिंग, क्या कहने का मतलब, अगर चार्जिंग ऑफ सेल होता है, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब क्या है, अगर ये सेल दिया है इसका पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, इसमें करंट प्रवेश कर रहा है, तो करंट अगर प्रवेश कर रहा है तो ये देखिए रेजिस्टेंस दिया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से ये देखिए करंट प्रवेश कर रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, तो अब करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट प्रवेश करता है, ठीक है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में जो करंट प्रवेश करता है वह क्या होता है, वह आपका, ठीक है, सेल का चार्जिंग का केस होता है, और चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू क्या होता है,
ई प्लस आई आर होता है, देखिएगा वी इक्वल टू ई प्लस आई आर होता है। इन बातों को ध्यान दीजिएगा, इस पे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू ई माइनस आई आर हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू ई प्लस आई आर हो गया, ठीक है। अब कंबिनेशन ऑफ सेल मतलब वो नेट ई एम एफ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा नेट ई एम एफ, ठीक है। चलो भाई नेट ई एम एफ देखते हैं। देखिए एक होता है सेल में राइट कनेक्शन होता है और एक सेलों का रॉन्ग कनेक्शन होता है, ये ध्यान देना, सेल का राइट कनेक्शन और रॉन्ग कनेक्शन। पहले राइट कनेक्शन देखते हैं क्या होता है, ये देखिए राइट कनेक्शन, ठीक है, राइट कनेक्शन, राइट कनेक्शन ऑफ सेल, ये सेल का राइट कनेक्शन क्या है, ये देखो, ये मान लो अगर इस प्रकार से सेल ऐसे लगे हुए हैं, ये ई वन है, ई टू है, ई थ्री है। सेल का जो ई एम एफ होता है वो माइनस से प्लस होता है, ई एम एफ देखिए दिशा होती है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, माइनस से प्लस होता है। और ये देखिए, तो एक बात याद रखना, सेलों का जो माइनस या इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनका है, आर वन है, आर टू है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर थ्री है, इस तरह से है। तो एक बात याद रखना, अगर प्लस और पहले सेल का प्लस और दूसरे सेल का माइनस कनेक्ट हो, दूसरे सेल का प्लस और तीसरे सेल का माइनस कनेक्ट हो, दूसरे सेल का प्लस और तीसरे सेल का माइनस कनेक्ट हो, ये देखिएगा दूसरे सेल का प्लस और तीसरे सेल का माइनस कनेक्ट हो, इस प्रकार से हो, तो याद रखना यहां पे जो नेट ईएमएफ होता है, यानी ये क्या होता है, जो नेट ईएमएफ होता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो नेट ईएमएफ होता है वह क्या होता है, यानी नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहां पे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग कनेक्शन सेलों का क्या होता है, याद रखिएगा, रॉन्ग कनेक्शन सेलों के, रॉन्ग कनेक्शन का मतलब है कि सेलों के पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो, सेलों के पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनको हम रॉन्ग कनेक्शन कहते हैं, ये ध्यान देना। अगर सेलों का पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट है तो उसको हम रॉन्ग कनेक्शन कहते हैं, ये देखिए रॉन्ग कनेक्शन। तो रॉन्ग कनेक्शन क्या होता है भाई, ये देखो रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन क्या होता है, इस प्रकार से है रॉन्ग कनेक्शन, ये देखो इस प्रकार से है, ये माइनस दिया गया, ये प्लस दिया गया, प्लस दिया गया, माइनस दिया गया है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये मान लीजिए सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन हो गए, सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू हो गए, इसका ई एम एफ ई वन हो गया, इसका ई एम एफ ई टू हो गया। तो देखो रॉन्ग कनेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो सेलों के प्लस प्लस आपस में कनेक्ट हैं, बोलो बच्चों सेलों के प्लस प्लस आपस में कनेक्ट हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों सेलों में बड़ा सेल कौन है, इन दोनों सेलों में बड़ा सेल कौन है, ये देखेंगे भाई, कोई तो होगा E1 E2 में हो सकता है, कोई तो बड़ा होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि इस E1 और E2 में कौन सेल जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा सेल होगा, देखिए इसमें जो करंट निकलता है, जैसे मान लीजिए E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो ऐसे करंट निकलेगा, ये देखिए ऐसे करंट निकलेगा, तो ऐसे करंट आएगा, ये देखना ध्यान देना। अब दोनों सेलों से नहीं करंट आएगा, क्योंकि बच्चों अगर दोनों सेलों से करंट आता है तो ये करंट लड़ जाएगा, देखिए अगर दोनों सेलों से करंट आता तो करंट आपस में लड़ जाता, तो दोनों सेलों से करंट नहीं आएगा, इससे करंट निकलेगा और ऐसे होते हुए ऐसे करंट पहुंचेगा। तो अब ये देखिए जब भी प्लस प्लस करंट होते हैं तो एक तरह से आप देखेंगे इनके ईएमएफ का दिशा माइनस से प्लस होता है और ये माइनस से प्लस होता है, इनके ईएमएफ का डायरेक्शन क्यों, ये तो होता है। अब यहां पे अगर हम नेट ईएमएफ देखते हैं, ये देखिए नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ जो होता है वह ई वन माइनस ई टू होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नेट ईएमएफ जो होता है वह ई वन माइनस क्या होता है, ई टू होता है। हाँ, लेकिन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर नेट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होगा, ये देखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वह आर वन प्लस क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट इक्वल टू आर वन प्लस क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, ये रॉन्ग कनेक्शन हो गया और ये राइट कनेक्शन ऑफ सेल हो गया, ध्यान देना, ये राइट कनेक्शन ऑफ सेल हो गया, ये रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा, ये राइट कनेक्शन सेल का हो जाएगा, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए राइट और रॉन्ग दोनों कनेक्शन होता है, तो उसमें जरा एक बात ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट ही है, देखिएगा कॉन्सेप्ट है, इफ टोटल नंबर ऑफ, इफ टोटल नंबर ऑफ सेल इज यम, टोटल नंबर ऑफ सेल इज यम, प्रत्येक का जो ईएमएफ है वह ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, अगर ऐसे दिया हो तो ये समझ जाना कि प्रत्येक का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ऐसे कह रहा है। इफ टोटल नंबर ऑफ सेल इज यम, और ये देखिए ई कॉमा आर कह रहा है, ई कॉमा क्या कह रहा है, आर,
टोटल नंबर ऑफ सेल इज एम ई कॉमा आर, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो कितना है, एम है, ई कॉमा कितना हो गया आर। आउट ऑफ एम सेल, आउट ऑफ एम सेल, देखिएगा आउट ऑफ एम सेल, एन सेल कनेक्टेड रॉन्ग वे, यानी एन सेल कनेक्टेड कनेक्टेड रॉन्ग वे, ठीक है ये देखिएगा रॉन्ग वे। फाइंड नेट ईएमएफ एंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। तो चलो भाई एम सेल हैं, एम सेल हैं, एम में गलत तरीके से कनेक्ट है, तो ये देखो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट जो हो जाएगा एम माइनस 2n into e, याद रखिएगा m टोटल नंबर ऑफ सेल है, n रॉन्ग कनेक्टेड सेल है, तो m माइनस 2n into कितना हो जाएगा e, m माइनस 2n into e हो जाएगा, और r नेट कितना हो जाएगा, ये देखिएगा r नेट जो हो जाएगा वह mr ही होगा, r नेट कितना रहेगा, mr ही रहेगा, ठीक है भाई, तो r नेट mr रहेगा। अब देख लेते हैं इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए भाई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है भाई, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको देखिए ध्यान दीजिए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, बच्चों ध्यान देना इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उन लेयर के बीच जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, भाई इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कई लेयरों से बना हुआ है, तो जो वह रेजिस्टेंस जो होता है करंट फ्लो का जो अपोज करता है, मतलब जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट का जो मेन करंट फ्लो का अपोज करता है, उसी को हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन होता है, ध्यान देना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस क्या होता है, वन होता है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई ईएमएफ हो गया, वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ई अपॉन वी माइनस वन होता है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे अगर इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये देखिएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और दूसरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ डिप पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट, यानी क्या कहने का मतलब है, एरिया ऑफ, ठीक है, डिप पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों समझ रहे हो ना, एरिया ऑफ डिप पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए बैटरी में पानी डालने की जरूरत पड़ती है, जितना हम पानी डालते हैं ठीक है उतना ही ज्यादा एरिया डूबा होता है, जितना ज्यादा एरिया डूबा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और एक बात ये भी याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आर वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, इसी कारण गर्मियों में कार जल्दी स्टार्ट होती है और ठंड में कार जो है वह देर से स्टार्ट होती है, ये ध्यान दीजिएगा, गर्मियों में कार जल्दी स्टार्ट होती है और ठंड में कार जो है वह देर से स्टार्ट होती है, ठीक है आई बात समझ में। अब जरा यहां सेल का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्वेश्चन बड़ा अच्छा अच्छा बनता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जरा देखते हैं क्या है, ठीक है भाई छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, चलिए भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आ जाओ भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से है, चलिए
सेलों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो सेलों के कॉम्बिनेशन का कई पार्ट है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब पहला क्या है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए यन सेल है, ये देखिएगा यन सेल है, प्रत्येक का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये देखिएगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से वह जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से वह जुड़े हुए हैं, किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जुड़े हुए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि करंट क्या होगा, कैसे करंट होगा। तो ये देखो यहां से करंट इस प्रकार से निकलेगा, ऐसे करंट देखिए, ऐसे इस प्रकार से करंट निकलेगा, और ये देखिए करंट इस प्रकार से इसमें आई है कि नहीं। तो करंट आई क्या होगा, टोटल ईएमएफ, देखिए यन सेल हैं, ये कितने सेल हैं, यन सेल हैं, यन सेल हैं, तो करंट आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, एनी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एनआर प्लस आर, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी एनआर प्लस कितना हो गया, आर हो गया। ये बताइए करंट हो गया, करंट आई इक्वल टू एनी अपॉन एनआर प्लस आर, मतलब करंट आई जो हो जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो गया। आई बस समझ में, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए हम मैक्सिमम और मिनिमम करंट का एक केस पूछा जाता है कि मैक्सिमम करंट की पॉसिबिलिटी कब होगी। तो बेटा मैक्सिमम करंट के लिए एनआर अगर आर से काफी छोटा होता है, ये देखो एनआर लेस देन आर होता है, तो इसका मतलब एनआर टेंस टू जीरो होगा, और आई मैक्स इक्वल टू जो होगा वो देखना एनी वाई कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, यानी मैक्सिमम करंट एनी वाई आर। फिर इसी तरह से मिनिमम करंट क्या हो जाएगा, ये देखिएगा मिनिमम करंट, ये देखिए मिनिमम करंट क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, मिनिमम करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम करंट के लिए ध्यान दीजिएगा एनआर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आर टेंस टू जीरो हो जाएगा। ये देखिएगा मिनिमम करंट एनआर ग्रेटर देन आर, आर टेंस टू जीरो हो जाएगा, आर टेंस टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई मिनिमम सिर्फ एक सेल के बराबर करंट मिलेगा, ई बाई कितना, ई बाई स्मॉल आर। बोलो भाई, अरे भाई ठीक है, एन एन कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, आई मिनिमम इक्वल टू ई बाई आर। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का हो गया। इस प्रकार से देखिए सीरीज का सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये जो है सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है भाई, बात को समझ रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया ये, आई मिनिमम इक्वल टू ई बाई कितना आर। अब देखते हैं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा दो प्रकार का होता है, एक ईएमएफ अगर इक्वल हो, दूसरा अगर ईएमएफ अनइक्वल हो। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं सेल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का जब ईएमएफ इक्वल हो और दूसरा ईएमएफ अनइक्वल हो। तो देखो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर पहला केस अगर ईएमएफ क्या है, इक्वल हो, ये देखिएगा ईएमएफ इक्वल हो, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये जो है वह इक्वल है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जो है वह अगर इक्वल है तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ईएमएफ इक्वल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर इक्वल होता है तो उस दशा दिशा में क्या हो जाएगा, ये आपको देखना है, ईएमएफ इक्वल पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ अगर इक्वल है। तो देखिए भाई इस तरह से ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये देखो ऐसे ही लगा हुआ है, और ऐसे ही यम सेल लगे हुए हैं, कितने सेल, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वह आर है, मतलब कितनी सेलों की संख्या है, एम सेल है। तो ये बताइए सारे सेल मिलके, मतलब सारे सेलों में से जो करंट होगा वह इसमें आएगा, जो भी सेल हैं उन सारे सेलों में से जो करंट होगा वह किसमें आएगा, वह इसमें आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब सारे सेलों में से जो करंट होगा वह किसमें आएगा, इसमें आएगा, ये ध्यान देना, सारे सेलों में से, ये बात को समझ रहे हैं, सारे सेलों में से करंट आपका कहां जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें नेट ईएमएफ जरा देख लीजिए क्या है, नेट ईएमएफ, चलो भाई नेट ईएमएफ देख लेते हैं, मतलब करंट ही डायरेक्ट देख लो, नेट ईएमएफ ये देखना, पैरेलल में ईएमएफ अगर समान हो तो नेट ईएमएफ ई ही होगा, क्यों भाई, देखिए पैरेलल में अगर ईएमएफ समान हो तो नेट ईएमएफ ई ही होगा, नेट ईएमएफ ई ही होगा,
यानी नेट ईएमएफ यहां पे ई हो जाएगा, नेट ईएमएफ ई होगा। तो नेट ईएमएफ अगर ई होगा तो ये ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में दो प्रकार के रेजिस्टेंस हैं। सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं सब में से करंट ऐसे निकल रहा है, यहां से करंट, यहां से करंट, और ये सारा करंट ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए ये यू पहुंचा, करंट ऐसे पहुंच रहा है, ऐसे पहुंच रहा है। तो करंट आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में ये देखिए आर आर एम तक है, तो बोलिए भाई कितना हो जाएगा, आर बाई एम और प्लस क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा। बोलो भाई ये तो हो जाएगा, अरे भाई आर 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 जो है वो पैरेलल में है, तो आर आर अगर पैरेलल में है तो आर बाई एम हो गया, और इस कैपिटल आर के साथ ये सीरीज में है, कैपिटल आर के साथ क्या है, सीरीज में है, तो कैपिटल आर के साथ सीरीज में है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई अपॉन आर प्लस जो हो गया वह एम आर हो गया। आई इक्वल टू एम ई अपॉन आर प्लस कितना हो गया, एम आर हो गया। ये देखिएगा आई इक्वल टू एम ई अपॉन आर प्लस एम आर हो गया है, ठीक है भाई। तो आई इक्वल टू एम ई अपॉन आर प्लस कितना हो गया, एम आर हो गया, ये करंट आ गया। तो करंट आ गया, अब देखिए इसमें अगर आर टेंस टू जीरो है, क्या है ध्यान देना, अगर पहली कंडीशन आर टेंस टू जीरो है, ये कब हो सकता है, जब आर लेस देन क्या है, एम आर हो, ठीक है, आर टेंस टू जीरो है, तो इस समय मिनिमम करंट होगा, यानी मिनिमम करंट यमी अपॉन क्या हो जाएगा, एम आर, यम एम कट गया यानी ई बाई आर, ये देखिएगा यहाँ पर मिनिमम करंट हो जाएगा। बोलिए भाई मिनिमम करंट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, ये देखिए मिनिमम करंट हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में यहाँ पर जो है वह मिनिमम करंट होगा। और यही अगर मान लीजिए क्या होता है, आर ग्रेटर देन होता है, ये देखिए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, तो इसका मतलब एम आर टेंस टू जो है वह जीरो हो जाएगा, और उस दशा में मैक्सिमम करंट मिलेगी, मतलब आप जितना सेल लगाए रहोगे उस सारे सेलों का लाभ मिलेगा आपको, ठीक है, यानी आई मैक्स इज इक्वल टू यमी अपॉन आर हो जाएगा। ये कब है, इस किस कंडीशन में है, अगर ईएमएफ इक्वल है, ईएमएफ इक्वल है उस कंडीशन में हो गया। अब यही अगर ईएमएफ अन इक्वल होता है, क्या कहने का मतलब, यही अगर ये कहता है कि ईएमएफ अन इक्वल है, ध्यान दीजिएगा ईएमएफ अन इक्वल है, तो उस दशा में क्या हो जाता है, आओ चलो भाई देखते हैं, अगर ईएमएफ अन इक्वल होता है और सेल पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो कैसा होता है। चलिए भाई, चलिए ईएमएफ अगर अनइक्वल हो, आ जाओ देख लो, ईएमएफ अगर अनइक्वल हो, ये देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण होता है, ईएमएफ अनइक्वल का मतलब ये देखिए इस प्रकार से, ये ईवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, और ई टू है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू है, और ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट भेज रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट भेज रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इनका जो है ये नेट ईएमएफ क्या होगा, ये नेट ईएमएफ और नेट ईएमएफ के बाद सर्किट में करंट कितना होगा, पहले तो आपको नेट ईएमएफ बताना है, फिर करंट भी बताना है, देखिएगा आपको कई काम करने हैं, मतलब करंट भी बताना है, तो करंट भी बताना, नेट ईएमएफ भी बताना, इसके लिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, तो क्या होगा। तो देखो ऐसे कम्बिनेशन, अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि दोनों मिलकर कहीं बाहर करंट देते हैं, ये देखिए इससे भी करंट आएगा, दोनों से मिलकर करंट इसमें आता है। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, ये देखिए भाई मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वो डिटेल में नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन उतना ही आपके लिए जरूरत भी है। पहला हम इस E1 और E2 दोनों का हम नेट ईएमएफ निकाल लेते हैं। देखिए जब भी सेलों के प्लस प्लस, इसको सेम पोलैरिटी कनेक्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेम पोलैरिटी कनेक्शन कहा जाएगा, इसको सेम पोलैरिटी कनेक्शन कहते हैं, देखिएगा सेम पोलैरिटी कनेक्शन कहते हैं। तो अगर इस प्रकार से सेल कनेक्ट हो तो इनका हम लोग नेट ईएमएफ निकाल लेते हैं। ये देखिए नेट ईएमएफ, और नेट ईएमएफ क्या होता है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, देखिए नेट ईएमएफ हो गया। फिर हम नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये देखिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये देखिए इस प्रकार से हो गया। अब देखो बच्चों क्या हो गया, इन दोनों सेलों की जगह अब हम लोग एक सेल लिखेंगे, ध्यान देना दोनों सेलों की जगह हम क्या लिखेंगे, एक सेल लिखेंगे, मतलब ये जो दोनों सेल लिखे हुए हैं उनकी जगह हम क्या करेंगे, एक सेल लिखेंगे। कैसे होगा भाई, दोनों सेलों की जगह एक सेल, देखिए दोनों सेलों की जगह अब हम क्या है, एक सेल लिखेंगे, ठीक है,
देखिए दोनों सेलों की जगह एक सेल लिखेंगे, तो एक सेल लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा जरा देखना। दोनों सेल दिए गए हैं, दोनों सेलों की जगह हम एक सेल देखते हैं, एक सेल देखते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये देखो एक सेल हो गया। देखिए दोनों सेलों की जगह हम क्या करते हैं, एक सेल देखते हैं, समझ रहे ना भाई, दोनों सेलों की जगह एक सेल। अब एक सेल हो गया ऐसे, चूंकि ये सब इधर ही की तरफ है तो ये टर्मिनल ऐसे हो गया, और आर ये हो गया, यानी ये आर नेट हो गया और ये ई नेट हो गया। मान लीजिए आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट बताना है, यही तो है यार, तो करंट बताना है, तो करंट आई इक्वल टू क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ना, इसमें जो करंट आई होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ का मतलब ई नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये देखिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, आर नेट प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू क्या हो गया, ई नेट। देखिए भाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट, ई नेट कितना हो गया, ई नेट जो है वह ई वन आर टू, देखिएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन, अपॉन यहां कर दीजिए, अपॉन आर वन प्लस आर टू, और ये क्या हो गया, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू कैपिटल आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन आर टू प्लस आर, एलसीएम ले लिया मैंने आर वन प्लस आर टू। देखिए जब आर वन प्लस आर टू एलसीएम लेंगे तो ये आर वन प्लस आर टू, ये आर वन प्लस आर टू कट जाएगा, तो क्या इसमें करंट आ जाएगा कि नहीं, बोलिए इसमें करंट आ जाएगा। अब मान लीजिए आपसे ये कहता कि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता बी इक्वल टू आई आर, बोलो भाई होता कि नहीं। अगर आपसे ये कहता कि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो ये ध्यान रखे रहिएगा इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वी इक्वल टू कितना होता, आई आर होता, मतलब इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वह वी इक्वल टू कितना हो गया, आई आर हो गया। ठीक है, तो ये ईएमएफ हो गया, अगर कब नेट ईएमएफ हो गया, अगर अनइक्वल सेल, मतलब ये सेल अगर इस प्रकार से लगे हुए हैं अनइक्वल ईएमएफ के, अब यही अगर अनइक्वल ईएमएफ के अपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं तो क्या होगा, तो देखिए यहां पे दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब, अनइक्वल ईएमएफ के अपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं, यानी क्या, अनइक्वल ईएमएफ देखिएगा, अनइक्वल ईएमएफ कनेक्टेड इन अपोजिट पोलैरिटी, अनइक्वल ईएमएफ किसमें लगा हुआ है, अपोजिट पोलैरिटी में लगा हुआ है। ये देखिएगा अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, अब देखिए अपोजिट पोलैरिटी का मतलब इस प्रकार से, ऐसे ये ऐसे है यानी ईवन है, R2 है ये E2 होगा, ऐसे इस प्रकार से है, ये तो है अपोजिट पोलैरिटी, इवन है R1 है E2 है R2 है, और ये देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, देखिए ऐसे, तो देखिए अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये देखो ये माइनस और ये प्लस कनेक्ट है, ये प्लस और ये माइनस कनेक्ट है, लेकिन उसमें क्या था, माइनस माइनस कनेक्ट था इस पॉइंट से, और प्लस प्लस क्या था, इस पॉइंट से कनेक्ट था, तो सेम पोलैरिटी कनेक्शन था, और ये क्या हो गया बच्चों, ये अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन हो गया, मतलब ये जो हो गया ये अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन हो गया, तो देखिए वो सेम पोलैरिटी कनेक्शन था और ये क्या है, अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन है, वो सेम पोलैरिटी कनेक्शन था और ये अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन है, तो सेम पोलैरिटी कनेक्शन में ये देखिए ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया कि नहीं, ये तो हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और वह प्लस माइनस हो गया, तो अब देख लेते हैं कि जैसे क्या होगा, तो अब इसमें देखना पड़ेगा आपको कि E1 R2 और E2 R1 के प्रोडक्ट में कौन ज्यादा है, उसी अनुसार आपका डिस्कशन होगा। तो पहला मान लीजिए हम मानते हैं कि E1 R1 इज ग्रेटर देन E2, ये देखिए E1 R2 इज ग्रेटर देन E2 R1 है, मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस E1 R2 और ये E2 R1, मतलब ये वाला सेल बड़ा है, तो जब ये वाला सेल बड़ा है तो जो इफेक्टिव होगा वो इधर की तरफ होगा, क्यों इफेक्टिव होगा कि नहीं, यानी कैसे बनेगा इफेक्टिव, ऐसे डायग्राम बनेगा नेट का, और ये देखिएगा नेट का ऐसे बनेगा, आर नेट ऐसे बनेगा, ये आर नेट हो गया, ये ई नेट हो गया, क्या हो गया, ई नेट हो गया, और ये देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया, तो अब क्या होगा, ई नेट कितना होगा, ये देखिएगा ई वन आर टू माइनस, कौन बड़ा है, ई वन आर टू, ई टू आर वन
अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर नेट कितना हो जाएगा, ये तो वही रहेगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। और करंट कैसे ऐसे फ्लो करेगा, ये देखिएगा करंट ऐसे। और इस ए बी में करंट कैसे होगा बोलो, ये देखो इस ए बी में करंट कैसे होगा, इस ए बी में करंट आई इक्वल टू क्या होगा, आई ए से बी होगा, आई ए बी इक्वल टू क्या होगा ई नेट। ई नेट कितना हो गया ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू अपॉन, ये क्या हो जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन सॉरी आर वन प्लस आर टू प्लस आर। ठीक है एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे, देखिए क्या आ जाएगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 R2, R1 R2 प्लस R, R1 प्लस R2 होगा। क्यों LCM लेंगे तो R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा A से B की तरफ करंट हो जाएगा। लेकिन यही बच्चों अगर इस प्रकार से होता, देखो यही अगर इस प्रकार से होता कि E2 R1 क्या होता, E2 R1 मतलब E2 R1 इज ग्रेटर देन E1 R2 होता, मतलब E2 R1 जो है ये ध्यान दीजिएगा E2 R1, ये देखिए E2 R1, ये देख रहे हैं E2 R1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा E1 R2 हो जाए, मतलब E2 R1 जो है ग्रेटर देन E1 R2 हो जाए तब हम क्या करेंगे। चलिए भाई E2 R1, ये देखो E2 R1 इज ग्रेटर देन E1 R2 हो जाए तब हम क्या करेंगे, E2 R1 इज ग्रेटर देन E1 R2। तो अगर E2 R1 इज ग्रेटर देन E1 R2 हो जाएगा तो उस दशा में देखिए हम नेट EMF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब ये सेल बड़ा होगा तो ये सेल बड़ा होगा तो ऐसे काम करेगा ऐसे, ये देखिए E नेट ऐसे हो जाएगा, R नेट ये हो जाएगा और ये इसमें क्या हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और करंट ऐसे मिलेगी ये 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 ए ऐसे, यानी करंट अब ऐसे हो जाएगी, यानी ए हो गया बी हो गया तो बी से ए करंट होगी, ये देखिए बी से ए। और E नेट कितना हो जाएगा ये देखना, E नेट, E नेट जो है वह E2 R1 माइनस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और R नेट कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये देखिए करंट क्या होगा BA, B से A करंट होगा। बोलो भाई भाई ये वाला सेल बड़ा हो गया तो ये वाला सेल बड़ा हो गया तो ऐसे करंट आएगा कि नहीं, अगर ये वाला सेल बड़ा हो गया तो करंट कैसे आएगा आपका, ये देखिए इस प्रकार से करंट आएगा। तो B से A करंट कैसे होगा, ये देखिए B से A करंट कैसे होगा, B से जो करंट होगा वह ध्यान देना, ये देखिए B से जो A करंट होगा वह कितना हो जाएगा E2 R1 माइनस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। फिर यहां भी LCM ले लेंगे, R1 प्लस R2 आपका क्या होगा कट जाएगा, क्यों यहां भी LCM लेंगे तो R1 प्लस R2 आपका कट जाएगा, यानी आई बी ए देखिएगा भाई ध्यान दीजिएगा, आई बी ए कितना हो जाएगा, आई बी ए जो है वह कितना हो जाएगा ई टू आर वन माइनस ई वन आर टू अपॉन 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 आर वन आर टू प्लस आर आर वन प्लस आर टू। बोलिए भाई क्या बी से ए तक करंट आ गया, बोलो भाई क्या बी से ए तक करंट आ गया ई टू आर वन माइनस ई वन आर टू अपॉन आर वन आर टू प्लस आर R1 प्लस R2, ये B से A क्या हो गया करंट हो गया। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान देना ठीक है। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन में सेलों का कम्बिनेशन हो गया। अब चलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग में, देखते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग में ठीक है भाई, एक एक छोटी छोटी बात को देखते चलिए। तो चलिए मिक्स्ड ग्रुपिंग में देखते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग में कैसे हो जाएगा, आइए मिक्स्ड ग्रुपिंग सेलों का जो है वह मिक्स्ड ग्रुपिंग देखते हैं क्या है, यानी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल। तो चलो भाई मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कम्बिनेशन, कम्बिनेशन ऑफ सेल, चलिए भाई मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों के कम्बिनेशन का मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होगा, अगर सेलों को हम मिक्स्ड कर देते हैं तो ये क्या होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब यन सेल सीरीज में है और ऐसी ही यम पैरेलल रो हैं, ये कहने का मतलब, मतलब यन सेल प्रत्येक का ईएमएफ ई है सीरीज में है और ऐसी ही यम पैरेलल क्या है रो दी गई हैं, ऐसे ही यम पैरेलल रो दी गई हैं, तो इनका किस प्रकार से कम्बिनेशन होगा, क्या चीज होगा ठीक है भाई। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल, ये देखो यन सेल सीरीज में है, ये यन सेल जो हैं
ये देखिए प्रत्येक का इंटरनेशनल सार हो गया, प्रत्येक का इंटरनेशनल सार हो गया, प्रत्येक का इंटरनेशनल आर हो गया, ई, और ये देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया। इस प्रकार से देखिएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये क्या हो गया, आर हो गया, ये देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया। और ऐसे ये यम रो दिए गए हैं, मतलब ये कैसे हैं, ये देखिएगा ऐसे है, ई है, ई है, ई है, और ये ऐसे यम रो दिया गया है। ठीक है भाई, ये देखो यम रो दिया गया है, ऐसे यम रो दिया गया है, बात को समझ रहे हैं। यहां पर यम रो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, सेलों का कम्बिनेशन क्या होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताइए सीरीज में जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ एन ई हो जाएगा। बोलिए भाई सीरीज में नेट ईएमएफ कितना होगा, ये देखिए एन ई होगा भाई, सीरीज में नेट ईएमएफ एन ई होगा। और प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ, एन आर होगा। प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर। बोलिए भाई एन ई होगा, प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर होगा, एन आर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट क्या हो जाएगा, करंट आई, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ तो यन्नी ही होगा क्योंकि यन्नी 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 पैरेलल में, तो यन्नी होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर एन आर एन आर एन आर एम तक, ये देखिएगा एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर, या यही क्या होगा एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर होगा। बोलो भाई यही तो होगा, करंट आई इज इक्वल टू कितना होगा, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर होगा। बोलो बच्चों सही है, यानी इसमें जो करंट आई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर हो जाएगा। ये तो करंट आई की वैल्यू होगी, तो करंट आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। अब देखिए इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट क्या होगा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, चलिए भाई कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या हो जाएगी ये ध्यान दीजिए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। देखो बच्चों ध्यान दो, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट का कंडीशन क्या हो जाएगा, कैसे क्या चीजें हो जाएंगी। देखिए मैक्सिमम करंट तब हो सकता है जब आई इक्वल टू, मतलब ये एन आर और एम आर आपस में बराबर हो, मतलब ये एन आर और ये एम आर अगर आपस में बराबर होते हैं तो उस कंडीशन को मैक्सिमम करंट कहते हैं। मतलब अगर एन आर इज इक्वल टू एम आर होता है तो ध्यान दीजिएगा उस कंडीशन को हम मैक्सिमम करंट कहते हैं, यानी मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके बराबर हो जाता तो उस दशा में मैक्सिमम करंट होगा, यानी एन आर इज इक्वल टू एम आर। और मैक्सिमम करंट होगा कितना, ये देखिए आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एम एन ई अपॉन, हमको एन आर की जगह क्या रखना है एम आर, देखिए एन आर की जगह एम आर रखना, एम आर प्लस एम आर हो गया, या आई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यम एन ई, और एम आर प्लस एम आर का मतलब टू एम आर, यानी एम से एम कट गया, आई मैक्स इज इक्वल टू क्या है, ये देखिएगा एन ई अपॉन टू आर, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं मैक्सिमम करंट। तो इस तरह से ये मैक्सिमम करंट हो गया। ठीक है भाई, तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग सेल का हो गया, सेलों का मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया, किस प्रकार से हम इस पे क्या करेंगे, सेलों का मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन आता है दो सेलों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहता है, मतलब कहीं भी किसी भी दो पॉइंट के बीच में, कोई भी हो सकता है, एक दो पॉइंट के बीच में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो चलिए कैसे उसको फाइंड करेंगे, मतलब किरचॉफ्स लॉ से देखते हैं हम उसको। तो देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो चलो भाई पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या होता है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये देखो दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, कोई भी अगर दो पॉइंट हो तो उन दो पॉइंटों के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, क्या चीज करना है उसको देखना है।
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो चलो भाई देखते हैं क्या है कैसे है। ये देखो एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये एक 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक 23 वोल्ट की बैटरी है इस तरह से। और ये देखो 1 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे 1 एम्पियर करंट, और ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि वी ए माइनस वी बी फाइंड करें, ऐसे करंट जा रहा है, मतलब वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं से सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं से सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, ये ध्यान रखना, तभी तो वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है। तो अगर वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है तो कहीं न कहीं से सर्किट आपकी क्या होगी, क्लोज होगी। तो अब ये देखिए अगर वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है तो हमें क्या है, इधर से अगर करंट जा रहा है तो ये देखिए ये इसका अगर रजिस्टर में करंट, ये इसका पहला सिरा प्लस है, दूसरा सिरा क्या है, माइनस है। ये करंट इसमें एंटर कर रहा है, ये देखिए पहला सिरा प्लस है, दूसरा सिरा क्या है, माइनस है। देखिए इस तरह से ऐसे करंट एंटर कर रहा है, तो करंट पहला सिरा प्लस होगा, दूसरा सिरा माइनस, पहला सिरा प्लस होगा, दूसरा सिरा क्या होगा, माइनस होगा, ऐसे करंट एंटर कर रहा है। अब ये देखिए एक बात ध्यान दीजिए, तो इसमें हम करते क्या है, पहले ये साइन माइनस है, ये प्लस है, सेल में तो यही होता प्लस माइनस है। तो पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए इसको वी ए माइनस वी बी, पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए प्लस माइनस आई आर या प्लस माइनस ई करते हैं। बात समझ रहे हो, एकदम सिंपल में पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए प्लस माइनस आई आर और प्लस माइनस ई करते हैं। ये देखिएगा पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए प्लस माइनस आई आर और प्लस माइनस ई क्या है, करते हैं वी ए माइनस वी बी। तो पहले टर्मिनल का साइन क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया 2 × 2, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए पहला टर्मिनल क्या है, प्लस 2 × 2 प्लस 2 हो गया, ये क्या हो गया माइनस, ये देखिएगा ये माइनस हो गया 2 × 2, ये क्या हो गया माइनस, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ये 3 हो गया। ये देखिए फिर यहां एंटर करेंगे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस 10, ये देखिएगा 1 एम्पियर करेंगे प्लस 10। ये देखिए ये क्या करेंगे, ये देखिए ये यहां से चलेंगे भाई 10 × 1 10 होगा और ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पहले टर्मिनल का साइन। ठीक है, कोई कोई दूसरे टर्मिनल का लोग साइन बनाते हैं लेकिन हम पहले टर्मिनल का बता रहे हैं। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ये क्या हो गया 10 × 2 = 12, 12 में से 3 गया कितना, ये देखिए ये 10 × 2 = 12, 12 में से 3 गया 9, 9 और 23 कितना हो जाएगा, 9 और 23 का मतलब 32 वोल्ट, यानी वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा 32 वोल्ट हो जाएगा। तो ये दो पॉइंटों के बीच में इस प्रकार से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अब एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए, जरा छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए जाए इस पे। तो चलिए भाई छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए जाए, क्या है कैसे है, और भाई छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए जाए कैसे है। ठीक है, चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए भाई पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे है, ऐसे है, और अच्छा इसको ऐसे बना लीजिए, जिधर भी बनाइए सब सही है। और ये इधर देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका 10 वोल्ट हो गया, ये आपका 5 वोल्ट, 1 ओम 2 ओम, ये 2 ओम। तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 वोल्ट 5 वोल्ट एंड 2 ओम, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसको भी 1 ओम बना लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके किसके वोल्ट, 10 वोल्ट 5 वोल्ट एंड 3 ओम रेजिस्टेंस, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो बच्चों एक बात याद रखना, जब तक करंट नहीं मिलेगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा, मतलब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। जब तक हम करंट नहीं निकालेंगे तब तक हमारा काम क्या है, नहीं चल पाएगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार करंट कैसे, कहां से, क्यों कैसे आ रहा है। तो ये देखो ये माइनस है प्लस है,
ये माइनस ये प्लस है, तो बोलो बड़ी बैटरी कौन है, बताओ भाई बड़ी बैटरी में ध्यान देना, जो बड़ी बैटरी होगी उधर ही से करंट क्या निकलेगा। तो देखिए इधर से बड़ी बैटरी ऐसे ये करंट निकल रहा है, ये करंट आपका निकल रहा है, ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए करंट ऐसे आपका पहुंच रहा है, ये देखिए करंट ऐसे पहुंच रहा है। तो ऐसे होते हुए करंट इस प्रकार से यहाँ पे पहुंच रहा है, ये माइनस प्लस है प्लस माइनस है, ऐसे करंट ऐसे पहुंच रहा है। तो याद रखना यहाँ पर जो नेट ईएमएफ हो जाएगा, ये देखिए नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये देखो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये देखिए भाई बड़ी बैटरी है तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 10-5 अपॉन, ये देखिए मतलब करंट हम निकाल रहे हैं, I 1 + 1 + 3 यानी 5/5 = 1 एम्पियर, यानी करंट कैसे आ रहा है, ये देखिए करंट ऐसे आ रहा है। तो बताओ ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है क्यों बच्चों, अरे भाई 10 वोल्ट की जो बैटरी है वह क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, कन्फर्म है, ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है वह क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है। तो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो इस 10 वोल्ट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये देखना 10 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो इस जो 10 वोल्ट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह कितना हो जाएगा, V1 = E - I R1 या V1 = क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 10 - I1 है, R1 कितना है 1 है, 10 में से 1 गया कितना जाएगा 9 वोल्ट। और ये देखो ये 5 वोल्ट की बैटरी क्या है, ये चार्ज हो रही है, यानी इस 5 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है। तो अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है तो V2 = E + IR2 हो गया, बोले भाई V2 = E + IR2 या V2 = क्या होगा, E कितना है 5 है, I कितना है 1 है, R2 कितना है 1 है, यानी 5 × 6 वोल्ट हो गया, बोलो भाई आ गया कि नहीं। और ये देखो इसके क्रॉस क्या होगा, आखिरकार इसमें 1 एम्पियर करंट है तो क्या आप इसके क्रॉस भी पोटेंशियल बता सकते हैं कि नहीं, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V3 = कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों IR, V3 = कितना होगा, बोलो IR, I कितना हो गया 1 हो गया, R कितना हो गया 3 हो गया, तो ये देखिए 1 × 3 का मतलब कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, इलेक्ट्रिक सेल पे चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, देखिए कैसे करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ये एक सेल है, देखिएगा क्वेश्चन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक दूसरा सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये E है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। कह ये रहा है कि अगर पहले सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, बहुत ही छोटी छोटी बातें ध्यान देना है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल 0, ध्यान देना पहले सेल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पहला सेल है, पहले सेल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया, फाइंड वैल्यू ऑफ R, ठीक है क्वेश्चन समझ रहे हैं, यानी क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल 0, फाइंड वैल्यू ऑफ R, आपको R की वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई ध्यान दीजिएगा, आपको R की वैल्यू बतानी है कि R की वैल्यू क्या होगी, बस समझ रहे हैं, आपको R की वैल्यू बतानी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल 0, फाइंड वैल्यू ऑफ R। तो देखो इसमें क्या कर दो, सबसे पहला काम आप करंट निकाल दीजिए, करंट I, देखिए करंट आई क्या हो जाएगा, करंट आई जो होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये देखिए करंट आई टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ का मतलब 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 + क्या हो जाएगा R, ये बताइए भाई R1 + R2 + कितना हो जाएगा R, भाई करंट आई = टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो गया, R1 + R2 + कितना हो जाएगा कैपिटल R हो गया, 2E / R1 + अभी बताइए ये सेल चार्ज हो रहे हैं कि डिस्चार्ज हो रहे हैं जरा देख लेते हैं। तो ये राइट कनेक्शन सेलों का है, जब राइट कनेक्शन सेलों का है तो ऐसे करंट मिलेगा,
देखिए ऐसे करंट मिलेगा, अगर राइट कनेक्शन सेलों का है तो ऐसे करंट मिलेगा। तो करंट आई इक्वल टू, ये हो गया करंट आई इक्वल टू, अब पहले सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी वन इक्वल टू जीरो है, तो वी वन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, वी वन इक्वल टू जीरो का मतलब ई माइनस, ये वी वन इक्वल टू जीरो है तो ई माइनस आई आर वन इक्वल टू जीरो, ई आई क्या हो जाएगा टू ई अपॉन आर वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। चलिए टू ई कॉमन ले लेते हैं, ई कॉमन ले लेते हैं, आइए ई कॉमन ले लेते हैं, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर माइनस टू आर आर वन, ये सब इधर जाके जीरो हो जाएगा, ये सब इधर जाके जीरो हो जाएगा, ये सारा बचा क्या, ये देखिए आर प्लस आर टू माइनस आर वन इक्वल टू जीरो, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर टू। देखिए कैपिटल आर कितना हो गया, कैपिटल आर जो है वह आर वन माइनस आर टू के बराबर हो गया, देखिए कैपिटल आर जो है वह आर वन माइनस आर टू के क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कैपिटल आर इक्वल टू आर वन माइनस आर टू हो गया। ठीक है भाई, बात को समझ रहे हैं, तो कैपिटल आर यहां पे क्या हो गया आर वन माइनस आर टू के ये बराबर हो गया कैपिटल आर। ठीक, तो कैपिटल आर आर वन माइनस आर टू के बराबर हो गया। अब चलते हैं इसमें, देखिए ध्यान दीजिए दूसरी बात को चलते हैं, चलो भाई दूसरी बात को चलते हैं, आइए भाई दूसरी बात देखिए, दूसरी बात कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सेल 32, टोटल नंबर ऑफ सेल 32, ईएमएफ ऑफ ईच, ईएमएफ ऑफ ईच 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक है, इफ ऑल सेल कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, ऑल सेल कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, ऑल सेल कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, ध्यान दीजिएगा अगर सारे सेल जो हैं वह मिक्स्ड ग्रुपिंग में हैं, ठीक है समझ रहे हो बात को, इफ ऑल सेल कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, देखना सारे सेल जो हैं वह मिक्स्ड ग्रुपिंग में हैं, ऑल सेल कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग एंड करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, फाइंड नंबर ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, फाइंड नंबर ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम करंट, एंड ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड क्या मैक्सिमम करंट, ये ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम करंट, ये देखिएगा मैक्सिमम करंट, फाइंड नंबर ऑफ सेल इन सीरीज एंड, फाइंड नंबर ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम करंट, और आपको मैक्सिमम करंट भी फाइंड करना है। तो अब देख रहे हैं आपके पास 32 सेल हैं, ठीक है भाई आपके पास 32 सेल हैं, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कट पिट नहीं पा रहा है, 24 सेल मानो, 24 सेल पे ज्यादा अच्छा है, थोड़ा कट नहीं रहा था, ठीक है। अब इसका मतलब मान लेते हैं यन सेल सीरीज में है, ठीक है, और यम पैरेलल रो दी गई हैं, क्यों मिक्स्ड ग्रुपिंग में ही तो है, मान लो यन सेल जो है वह सीरीज में दिया है और यम ऐसी पैरेलल रो दी गई हैं, ठीक है, तो ये बताइए एम एन इक्वल टू 24 दिया गया है, एम एन, एम एन, एम एन जो दिया गया है सोल्यूशन में, देखो एम एन इक्वल टू 24 दिया गया है, क्यों एम एन इक्वल टू 24 दिया गया है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट का मतलब क्या हो जाएगा, एन आर इक्वल टू एम आर, देखो एन आर इक्वल टू एम आर,
कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट एन आर इज इक्वल टू एम आर। ये देखिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट एन आर इज इक्वल टू एम आर। मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या हो जाएगी, एन आर इज इक्वल टू जो होगा वह क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। मतलब एन आर जो है वह एम आर के क्या होगा, बराबर होगा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट एन आर इज इक्वल टू एम आर। एन देखिए कितना हो जाएगा, एन एन बोलिए भाई एन कितना होगा, पता है एन कितना होगा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट एन आर इज इक्वल टू एम आर। एन एन है, आर आपका 0.5 है, एम आर जो है 3 है, यानी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 एम। चलिए एन की वैल्यू इसमें रखते हैं, 6 एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 24, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एम इज इक्वल टू 2। ये देखिए एम इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 2 हो गया, एम इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। बोलिए भाई इसका मतलब ये पता चल गया कि एक सेल एक लाइन में, यानी सेल हम सीरीज में माने हैं, एक लाइन में 12 सेल हैं, एक लाइन में 12 सेल हैं और ऐसी दो पैरेलल रो दी गई हैं, और ऐसी दो पैरेलल रो दी गई हैं, एक लाइन में 12 सेल हैं और ऐसी दो पैरेलल रो दी गई हैं। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं, तो एन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम आर हो गया, एन आर इज इक्वल टू एम आर हो गया। तो ये बताइए मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। बोलिए भाई एन आर प्लस एम आर, बोलिए तो होगा। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम करंट के लिए क्या होता है, बोलो भाई मैक्सिमम करंट के लिए आपको पता होगा कि एन आर और एम आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। बोलो एन आर और एम आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखो एन आर इज इक्वल टू क्या होगा एम आर, या आई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन ई अपॉन टू एन आर, एन से एन कट गया, या एम ई अपॉन टू आर हो गया, या आई मैक्स इज इक्वल टू एम ई अपॉन टू आर। यम यम का मतलब क्या हो गया, ये देखिए यम यम का मतलब क्या है, यम का मतलब है दो, ई का मतलब क्या है दो बोल्ट, टू आर का मतलब क्या है हाफ, कट गया यानी कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। ठीक है भाई, तो ऐसे ये इलेक्ट्रिक सेल के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से ये एलिमेंट्री सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल को आप ध्यान दीजिएगा, मैंने थियरी प्रॉब्लम जो भी जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। ठीक है, अब जरा आप लोग चल चलिए किरचॉफ्स लॉ में चल चलिए क्या है। ठीक है भाई, तो अब देख लो किरचॉफ्स लॉ पे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान दो। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, तो चलो भाई देखो किरचॉफ्स लॉ के पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए भाई किरचॉफ्स लॉ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपका क्या बोर्ड में नहीं आता है ना, इसमें कंपटीशन में नहीं आता है। हाँ, इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वह आपके सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ विशेष बातें हमको किरचॉफ्स लॉ में जाननी है तो उसी को हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो चलिए कुछ विशेष बातों को देख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, पहला लॉ जो होता है जंक्शन लॉ होता है, मतलब जो पहला लॉ होता है वह जंक्शन लॉ होता है। ठीक है भाई, पहला लॉ जंक्शन लॉ, तो दो लॉ दिए थे। ये देखिए जंक्शन लॉ क्या होता है, जंक्शन लॉ इस तरह से। ठीक है भाई, पहला लॉ जो होता है वह जंक्शन लॉ होता है। क्या होता है जंक्शन लॉ, कैसे होता है, क्या चीज होता है उसको देखो। ठीक है, फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स का, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी पॉइंट 0। यानी क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन 0 होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, सारे करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे सारे करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वह 0 होता है।
ठीक है, सारे करंट का अलजेब्रिक सम किसी भी पॉइंट पे जीरो होता है। जैसे देखिए ये कोई पॉइंट है, यहां से करंट आ रहा है, ये देखिए आई वन, यहां से करंट आ रहा आई टू, यहां से करंट आ रहा आई थ्री। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है, हो सकता है यही पूछ दे, किस पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये होता है, हो सकता है यही पूछ दे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जितनी इनकमिंग करंट है, ये देखिएगा आई इन इज इक्वल टू आई आउट होता है, इनकमिंग करंट जो होता है आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। यानी क्या कहने का मतलब होता है, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू जो होता है वह आई थ्री होता है। ये देखिएगा आई वन प्लस आई टू इक्वल टू कितना होता है, आई थ्री, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री होता है। ठीक है ना, यही फर्स्ट लॉ है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कैसे है, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए भाई, ये देखिए, ये इस प्रकार से वायर दिया है, ये रेजिस्टेंस है 6 ओम का है, ये 6 वोल्ट का है बैटरी, ये 4 ओम का है, ये 4 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है और ये 2 वोल्ट का है इसका, और ये इसका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस VO है। तो आपसे ये कहा जा रहा है फाइंड कॉमन पोटेंशियल एंड ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। क्या कहा जा रहा है, फाइंड कॉमन पोटेंशियल, फाइंड कॉमन, ये देखिएगा कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड करंट, करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है भाई, प्रत्येक ब्रांच में करंट भी आपको बताना है। तो अब ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी बैटरी कैसे दी गई है। ये देखिएगा, ये 6 वोल्ट दिया है, ये 2 वोल्ट दिया, ये 4 वोल्ट दिया है। तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी बैटरी कैसे दी गई है। ये देखिए सबसे बड़ी बैटरी, तो भाई भाई सबसे बड़ी बैटरी 6 वोल्ट दी गई है। जो सबसे बड़ी बैटरी दी गई है उधर ही से आप करंट को क्या है निकालिए, ध्यान दीजिए, जिधर से सबसे बड़ी बैटरी दी गई है उधर से आप करंट को निकालिए। तो देखिए इधर से करंट को निकाल रहे हैं, इधर से करंट निकालेंगे तो ये आई वन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आई टू हो जाएगा। बोलिए भाई यही तो होगा, इसमें आई है आई वन हो जाएगा, इसमें आई टू हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब हो गया, कहने का ये मतलब हो गया करंट आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू हो गया। अब करंट आई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 माइनस V/6। इसमें करंट कितना आ जाएगा, V-4, V बड़ा होगा ना, V-4/4 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, V-2/2 हो जाएगा, ये देखिए V-2/2 हो जाएगा। क्यों भाई, ये तो हो जाएगा, अरे भाई V-2/2 हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब है, 6 माइनस V/6, और ये देखिए ये एलसीएम जो आया वो कितना आया, 8। ठीक है, 4 ही ले लो एलसीएम, 4 ही तो है, 4 ले लीजिए, 4 से कटा V-4, 2V-4। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 6 2 12 -2V, ये क्या हो जाएगा, 3V का मतलब कितना हो गया, 3 3 9 9V, 4 4 8 यानी 24 हो गया, 9V में से 9V और 2V 11V, और 24 और 12 बोलिएगा, 24 और 12 कितना हो जाएगा, इधर आया 11 हो गया, 24 और 12 36 हो गया, या V इक्वल टू 36/11 ये बोल्ट आ गया। आ गया कि नहीं, तो आई बात समझ में, कॉमन पोटेंशियल ऐसे ही देखिएगा कई जगह कैपेसिटर में करते हैं, ऐसे ही थर्मल कंडक्शन में भी करते हैं, ऐसे ही सेम थर्मल कंडक्शन में किया जाता है, सेम यही काम थर्मल कंडक्शन में हम करते हैं। तो ये देखिए कॉमन पोटेंशियल 36/11 वोल्ट आ गया। अब मान लीजिए प्रत्येक ब्रांच में करंट हमको फाइंड करना है, हमको आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो V 36/11 आया है यहाँ रख दीजिए भाई, V 36/11 आया है यहाँ रख दीजिए, 6 माइनस 36/11/6 ये आई निकल जाएगा। ये V जो 36/11 आया है यहाँ रख दीजिए -4/4 ये आपका निकल जाएगा। ये V 36/11 -2/2 रख दीजिए यहाँ आपका निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कैसे क्या कौन सी चीज़ यहाँ पर दी गई है। बोलो भाई कुछ समझ रहे हो कि नहीं, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया जंक्शन लॉ, इसको कहते हैं।
अब दूसरा देखते हैं, इसमें लूप लॉ देखते हैं क्या होता है, लूप लॉ। और जो भाई इसमें लूप लॉ देखते हैं कि लूप लॉ किस प्रकार से होता है। दूसरा लूप लॉ, जो लूप लॉ है वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। दूसरा क्या हो गया, सेकंड लॉ जो हो गया वह लूप लॉ हो गया, ये आपका क्या है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। सेकंड लॉ जो है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये सेकंड लॉ बेस्ड है। ठीक है भाई, बात को समझ रहे हैं? तो सेकंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब चलते हैं इसमें क्या होता है, ये देखो ये E1 दिया है, R1 दिया है, देखो सेल वाला ही वही क्वेश्चन है, E2 दिया है, और ये टोटल रेजिस्टेंस R दिया है। क्यों भाई, टोटल रेजिस्टेंस R दिया गया, इस प्रकार से टोटल रेजिस्टेंस R दिया है। तो भाई ये प्लस दिया है, ये माइनस दिया है, ये प्लस दिया है, माइनस दिया है, E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, इस प्रकार से। अभी बताइए दोनों सेलों से करंट यहाँ पर क्या निकल रहा है भाई, इसमें इस प्रकार से भी करंट ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे करंट निकल रहा है, करंट निकल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, देखिए सेलों से करंट निकालते हैं, एक मिनट। सबसे पहला काम मतलब इसको करा किरचॉफ लॉ से प्रत्येक ब्रांच में आप करंट ज्ञात करिए। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि सेल से करंट निकालते हैं। तो मान लीजिए प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, तो सेलों से करंट निकालेंगे, सेलों से करंट निकालेंगे। तो ये देखिए इससे करंट निकलेगा तो ये I1 करंट होगा, बोले भाई इससे करंट निकलेगा तो कितना होगा, I1 करंट होगा, बोलो I1 होगा, इससे जो करंट निकलेगा वो I1 होगा। ये देखिए इससे जो करंट निकलेगा वो I2 निकलेगा। अब ये दोनों लड़ेंगे नहीं करंट, ये दोनों मिलकर इधर की तरफ जाएंगे जिधर खाली पाएंगे, जिधर खाली पा रहे हैं उधर की तरफ जाएंगे, तो इधर खाली पा रहे हैं तो इधर खाली अगर मिला तो ये देखिए I1 प्लस I2 करंट हो गया। ये देखो I1 प्लस I2 करंट हो गया, ऐसे देखिए I1 प्लस I2 हो गया। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये I1 प्लस I2 हो गया, फिर जितना ये करंट दिया था वह हो गया, जितना करंट ये दिया था वह हो गया भाई, मतलब जितना करंट ये दिया है वह ले लिया, जितना करंट ये है वह हो गया, दोनों हो गए कि नहीं। तो अब ये देखना कि जिधर मतलब अब देखते हैं कैसे रूल लगाएंगे भाई, करंट जैसे ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल देखिए, पॉजिटिव जितना देता है निगेटिव को उतना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब गलत डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव I1 दिया है तो I1 मिला है। अब ये देखो रजिस्टर में जिधर से करंट प्रवेश करता है उसका पहला सिरा पॉजिटिव होता है, तो ये देखो प्लस होगा, और ये देखो ये माइनस होगा। रजिस्टर में जिधर से करंट प्रवेश करता है उसका पहला सिरा पॉजिटिव होता है, देखिए रजिस्टर में इधर से करंट प्रवेश कर रहा है तो ये पहला सिरा पॉजिटिव होगा, दूसरा सिरा क्या होगा, माइनस होगा। रजिस्टर में इधर से करंट प्रवेश कर रहा है, अगर इधर से करंट प्रवेश कर रहा है तो इसका पहला सिरा पॉजिटिव होगा, दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोले भाई ये तो है, इधर से करंट प्रवेश कर रहा तो पहला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, ABCDEF। आइए लूप वन में पहले चलते हैं, फिर लूप टू में चलते हैं, ठीक है। तो लूप में या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या तो क्लॉकवाइज, ये देखिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं या तो क्लॉकवाइज चलते हैं, बस किसी एक तरह से चलिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो चलिए लूप वन में चलते हैं। लूप वन का मतलब क्या हो गया, ये देखो लूप वन, लूप वन हो गया ABCEF में आते हैं। चलो इधर से चलना शुरू करते हैं, देखो पहला टर्मिनल क्या मिला, प्लस I1 R1, पहले टर्मिनल का साइन लगाते हैं, क्या मिला, प्लस माइनस, सॉरी माइनस E1। फिर चलो आओ 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 इधर देखो, ऐसे देखो क्या मिला, प्लस, ठीक है। फिर क्या मिला, माइनस माइनस I2 R2 = 0। ये तो स्टेटमेंट होता है इसका, इसका स्टेटमेंट क्या होता है किरचॉफ सेकंड लॉ का, किसी भी लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF एंड ऑल पोटेंशियल डिफरेंस 0। मैंने स्टेटमेंट नहीं बताया था लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी लूप के अंदर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF ऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या, 0। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये EMF हो गया, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं I1 R1। देखिए इसी को कैसे लिख सकते हैं, I1 R1 माइनस I2 R2
ई1 माइनस ई2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं ई1 माइनस ई2 इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं इस लूप में, लूप एफ सी डी ई एफ में आते हैं। चलो भाई लूप एफ सी डी एफ में आते हैं तो इसी तरह चलिए जैसे इसमें चले हैं, ऐसे ऐसे चलिए। तो यहां से चलेंगे, देखिए पहले कौन मिलेगा, ये यहां से ऐसे 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 होते हुए ये ऐसे एक वाइज, या तो एंटी क्लॉक वाइज या तो क्लॉक वाइज, और पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए जोड़ दीजिए। तो देखो पहला कौन मिला, प्लस प्लस I2R2 मिल रहा है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ कौन मिल रहा है, माइनस E2 मिल रहा है, ये देखो माइनस E2। चलो फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये देखो प्लस मिला, प्लस क्या हो गया, I1 प्लस I2 इंटू आर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। बोलो भाई हो गया, ठीक है। ये तो होगा किसी भी लूप में अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF एंड ऑल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ये तो इस लूप में हो रहा है। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। अब क्या हो गया बच्चों, I2R2 माइनस माइनस नहीं प्लस I1 प्लस I2 इंटू आर इक्वल टू E2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। ये देखिए इक्वेशन नंबर टू हो गया। तो इस तरह से ये किरचॉफ्स लॉ का मतलब तरीका हो गया कैसे हम लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन में हम जरा किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं, कि एक क्वेश्चन के माध्यम से जरा बताते हैं कि कैसे किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, क्या चीजें होंगी। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से किरचॉफ्स लॉ जरा लगाते हैं, मिटाते हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन के माध्यम से किरचॉफ्स लॉ बताते हैं कैसे क्या है क्वेश्चन के माध्यम से। यहां पर क्या दे रहा है, ये देखिए 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया है, ये 4.5 वोल्ट की एक बैटरी दी गई है और 4.5, और ये आपका क्या है, ये 10 ओम है, 3 वोल्ट की बैटरी है और इस तरह से है। करा फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ के कई फायदे होते हैं, किरचॉफ्स लॉ से एक साथ थोड़ा देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। एक साथ आप सारे रजिस्टर में करंट निकाल सकते हैं, सारे रजिस्टर में आप पावर निकाल सकते हैं, सारे रजिस्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं एक साथ, मतलब एक साथ आप सारे काम कर सकते हैं। एक साथ आप सारे रजिस्टर में करंट निकाल सकते हैं, सारे रजिस्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब देखिए कैसे लगाएंगे, ये एक 4.5 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 वोल्ट की बैटरी है, एक ये 4.5 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। तो इनमें जो बड़ी बैटरी है उधर से हम करंट को क्या है निकालते हैं, जो बड़ी बैटरी होती है, चलिए भाई जो बड़ी बैटरी होती है उधर से हम करंट को निकालते हैं बड़ी बैटरी से। तो चलो भाई बड़ी बैटरी से करंट को निकालते हैं, तो ये देखो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो ये देखो हम बड़ी बैटरी से करंट को ऐसे निकाल रहे हैं, ये करंट को हम निकालें। चलिए भाई बड़ी बैटरी है, इधर से करंट निकालें हम, ऐसे करंट निकलता गया, ये देखिए ऐसे करंट निकलता गया। अब यहां से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखिए भाई यहां से करंट जो है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखिए यहां से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहां से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो मान लेते हैं ये करंट आई है, इसमें I1 करंट गया और इसमें कितना करंट जाएगा, I-I1, ये चेक कर लीजिएगा। ये देखिए बैटरी I पॉजिटिव दिया है, I अगर इसका नेगेटिव I पाता है तो इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब देखो ये I1 करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा I1 करंट, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इधर से I-I1 जाएगा और यहां दोनों मिलेंगे, तो ये देखिए I-I1 और प्लस I1 मिलेगा, ये कटेगा, क्या आ गया इसमें I, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है हमने करंट सही बांटा है। तो पहला काम हमें क्या करना है, करंट का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पहला काम ध्यान दीजिएगा, पहला काम करंट का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर दूसरा काम हमको क्या करना है कि रजिस्टर में जिधर से करंट प्रवेश करे उसका पहला सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दें, रजिस्टर में जिधर से करंट प्रवेश करे उसका जो पहला सिरा होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए रजिस्टर में इधर से करंट प्रवेश कर रहा है,
तो पहला सिरा पॉजिटिव हो गया, दूसरा सिरा निगेटिव हो गया। इधर से करंट प्रवेश कर रहा, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब लूप में आप चल चलिए, इस लूप वन में आ जाइए, लूप टू में आ जाइए। चलिए भाई, सबसे पहले लूप वन में आते हैं। चलो भाई लूप वन में आते हैं, आ जाइए लूप वन में आते हैं। क्या है लूप वन? चलो भाई लूप वन में आते हैं, सबसे पहली चीज देख लेते हैं लूप वन क्या है। तो अगर हम लूप वन में आते हैं तो ये देखिए लूप वन में ये क्या है, ये प्लस है। क्या है भाई ये देखिए इधर से आते हैं प्लस, ये देखिए प्लस 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 दिया गया है। लूप वन में आते हैं प्लस थ्री आई, ये क्या दिया है प्लस सिक्स आई माइनस आई वन। आइए 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 आइए, इधर ये माइनस हो गया 4.5 इक्वल टू जीरो, या क्या हो गया थ्री आई सिक्स आई सिक्स आई वन 4.5, 6 3 9 आई सिक्स आई वन 4.5। ये देखिए 3 3 का 3 2 और ये डेढ़, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, आ गया कि नहीं। अब ऐसे इसमें भी चलते हैं, इस लूप में भी चलते हैं, लूप टू में भी चलते हैं। आइए लूप टू में भी चला जाए, चलो भाई लूप टू में भी चलते हैं। तो जिधर से करंट, जैसे लूप टू में भी चल रहे हैं, तो लूप टू में अगर चल रहे हैं तो ये बताओ, लूप टू में अगर चल रहे हैं तो ये देखो ये 10 I1 हो गया, कितना हो गया 10। देखिए लूप टू में चल रहे हैं तो 10 I1 हो गया, ये देखिए 10 I1। क्यों भाई? लूप टू में चल रहे हैं तो ये देखिए 10 I1 हो गया, 10 I1 हो गया। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस 3, पहले टर्मिनल का साइन, फिर इधर देखिए ये माइनस 6 I - I1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। -6 I - I1 इक्वल टू जीरो हो गया, या क्या कहने का मतलब है, ये देखिए ये 16, ये -6 I प्लस 16 I1 इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, हो गया कि नहीं। अब हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लें। क्यों भाई? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आई और आई वन की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, बोलिए भाई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं तो आई और आई वन की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करें तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, ये देखो 3 2 6 I 4 I1 इक्वल टू क्या 3। ये देखिए ये क्या हो जाएगा -6 I प्लस 16 I1 इक्वल टू -3, बोलिए भाई इस प्रकार से आ गया। ये देखिए कट गया, 3 3 कट गया, 12 I1 इक्वल टू 0, या I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बोलिए भाई 12 I1 इक्वल टू 0, या I1 इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0। I1 इक्वल टू 0 हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, चलिए भाई I1 इक्वल टू 0 किसी इक्वेशन में रख देते हैं, चलिए भाई I1 इक्वल टू 0 हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, चलिए भाई इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो चलिए अगर इस इक्वेशन में I1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 I इक्वल टू, ये देखिए 3 I माइनस 0 इक्वल टू 1.5, या I इक्वल टू 1.5/3 का मतलब 1/2 एम्पियर। बताइए क्या सारे ब्रांच में करंट आ गया कि नहीं, बोलो भाई सारे ब्रांच में करंट आ गया, इसमें भी करंट आ गया, इसमें करंट कितना हो गया 1/2 एम्पियर, ठीक है। I1 इसमें करंट कितना हो गया 0, इसमें 1/2 में से क्या है 0 जाए, मतलब सारे ब्रांच में करंट यहां पे आ गया। तो इस तरह से हमने किरचॉफ्स लॉ देख लिया, अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। अब देखो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं, ये तो किरचॉफ्स लॉ हम लोगों ने देख लिया, अब व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं क्या है, कैसे है, क्या जानना है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो देखो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें जानते हैं, पहले होता क्या है, कैसे क्या चीज है। देखिए भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमेशा ध्यान देना, 4 कॉर्नर इसमें होते हैं, 4 कॉर्नर, और 2 कॉर्नर के बीच में क्या होता है सोर्स सेल लगा होता है, ये देखिए 2 कॉर्नर, और अपोजिट 2 कॉर्नर के बीच जो होता है वो 5वां वो गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और ये देखिए ए भी की होती है, ये की हो गई आपकी K2,
ये आपका एक रजिस्टर P होता है, एक रजिस्टर Q होता है, एक रजिस्टर R होता है, एक रजिस्टर S होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में दो प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है और एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में दो प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो देखो भाई, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये देखो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें क्या होता है, पी बाई क्यू का रेशियो आर बाई एस के बराबर होता है, और ये ए होता है और ये बी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, और बी ए जो होता है वो बी बी के बराबर होता है, बी ए इक्वल टू बी बी होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ए और बी के बीच का वो क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास करता है। अब इसमें कुछ मुख्य बातें ध्यान रखिएगा, फिर फॉर सेंसिटिविटी ऑफ, मतलब इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगी, सेंसिटिविटी कब सही होगी, जब ये सारे रजिस्टर सेम ऑर्डर के होंगे। मतलब अगर ये P, Q, R ये सेम ऑर्डर के होते हैं, सब चार ओम के हों या पांच ओम के हों, तो इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो अच्छी होती है, मैक्सिमम होती है, अच्छे से काम करता है। दूसरा, सेल्फ इंडक्शन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले सेल की दबाते हैं, तब गैल्वेनोमीटर की दबाते हैं, सेल्फ इंडक्शन को अवॉइड करने के लिए। और अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने का मतलब इन दोनों पॉइंटों के बीच में सेल आ जाए और इन दोनों पॉइंटों के बीच में गैल्वेनोमीटर आ जाए, देर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, देर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका क्या होता है, इसमें जानना है। यही अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ध्यान दीजिएगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ मुख्य बातें ध्यान देंगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिएगा, अगर P by Q नॉट इक्वल टू R by S है, ध्यान देना, P by Q नॉट इक्वल टू R by S है, मतलब P और Q का रेशियो अगर R by S के बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, पहली कंडीशन इसमें देखिए, पहली कंडीशन ए, अगर P by Q इज ग्रेटर देन R by S होता है, ध्यान देना, P by Q इज ग्रेटर देन R by S होता है, मतलब P और Q का रेशियो R by S से ज्यादा होता है, तो ये देखना B पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, बी बी इज ग्रेटर देन वी होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो जाएगा वो बी टू ए हो जाएगा। फिर देखिए, यही अगर P by Q less than R by S होता है, ये देखिए P by Q less than R by S होता है, P by Q less than R by S होता है, तो यानी A इसका पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। ये देखिएगा VA is, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, VA is greater than VB होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम A टू B होगा, यानी क्या कहने का मतलब है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम A टू B होगा। ठीक है भाई, तो ये आप व्हीटस्टोन ब्रिज में ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको ध्यान देना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब इसमें मुख्य बातें और कुछ देखना है, विशेष बातें, कुछ मुख्य बातें और देखना है। इसी के आधारित पे आपका मीटर ब्रिज काम करता है, जो मीटर ब्रिज होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो चलिए जरा मीटर ब्रिज को ध्यान दे देते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं। देखिए, मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत होता है वह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो चलिए भाई, मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत होता है वह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे ही होता है। तो चलो देखते हैं मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या होता है। देखिए भाई, मीटर ब्रिज से हम किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम ज्ञात करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कोई भी एक तार मिल गया, कोई वायर मिल गया, उससे हम उसका रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं मीटर ब्रिज से, किसी भी अननोन वायर के
रेजिस्टेंस को हम मीटर ब्रिज से फाइंड करते हैं। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, कैसे होता है, देख लीजिए। इस तरह से ये कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है, देखिए कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है, ये क्या हो गया, कॉपर की स्ट्रिप हो गई। इस तरह से ये कॉपर की स्ट्रिप होती हैं, ये आपका क्या हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ये देखो इनके बीच में वायर हो गया, ठीक है भाई, ये इनके बीच में वायर हो गया, ठीक है। ये वायर मैंगनीन या यूरेका का होता है, कंसंटेंट का होता है, ये सोर्स सेल होता है, ध्यान देना, ये सोर्स सेल होता है, ये की भी लगी होती है, देखिए की भी लगी होती है, ये सोर्स सेल होता है। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स को या तो लेफ्ट गैप में या तो राइट गैप में किसी में एक लगा देते हैं। ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया हमने, ये देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए, और इसमें हम राइट गैप में क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को हम लगा देते हैं। ये देखिए अननोन रेजिस्टेंस को लगा दिया, इसमें हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, इसको अननोन रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया। और ये देखिए यहां पर क्या है, ये गैल्वेनोमीटर एक जॉकी के हेल्प से हमने क्या किया, लगा दिया। तो अब देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीजें हमको जाननी है। हम क्या करते हैं, जॉकी को इस वायर ए बी पे स्लाइड कराते हैं। ये जो जॉकी दिया है, इस जॉकी को हम वायर ए बी पे स्लाइड कराते हैं। तो मतलब वायर ए बी पे स्लाइड कराते हैं, और जहां गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां रुक जाते हैं। तो मान लिया यल डिस्टेंस पे इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, तो ये एक मीटर का वायर होता है, तो यल हो गया, तो ये वाला जो हो गया वह 100 माइनस यल हो गया। इसको हम पी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं। देखिए पी की वैल्यू क्या हो गई, पी की वैल्यू हो गई रो यल बाई ए, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, रो 100 माइनस एल अपॉन ए हो गया। ये देखिए पी की वैल्यू, पी और क्यू हो गया, पी अपॉन क्यू जो होता है, ये देखिए पी अपॉन क्यू, ये देखिए पी अपॉन क्यू, ये क्या होता है, यल अपॉन 100 माइनस यल होता है। आप देख रहे हैं पी अपॉन क्यू जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है। क्यों भाई, पी अपॉन क्यू जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब तार ए बी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, तार ए बी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पी अपॉन क्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान देना। तो इसीलिए तार की मोटाई को चाहे डबल करें या ट्रिपल करें, डबल करें या ट्रिपल करें, याद रखिएगा पी और क्यू के रीडिंग पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तार की मोटाई को डबल करें या ट्रिपल करें, पी और क्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी परफेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह फॉलो कर रहा है। अब अगर ये परफेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो P by Q is equal to, देख लीजिए P by Q is equal to R by क्या होगा, S, ये क्या है, L upon 100 minus L हो गया, ये R by S हो गया, या नॉन रेजिस्टेंस S is equal to R 100 minus L upon कितना हो गया L, बताइए क्या अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू निकल गई कि नहीं, तो अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू कितनी हो गई, R 100 minus L upon कितना हो गया L। यह मीटर ब्रिज का सिद्धांत हो गया, किसका हो गया, यह मीटर ब्रिज का सिद्धांत हो गया, तो यस आर 100 माइनस कितना हो गया एल, ठीक। अब चलते हैं पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत पे, किस प्रकार से चीजें रहती हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर। देखिए हो सकता है कि मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर से कोई क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आता है एकदम फार्मूले पे रहता है। हाँ, हो सकता है कि इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ा जाए, इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ा जाए, ये चीजें। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ठीक है, एक बात ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये कह देता कि आर्म के रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया गया, तो जब इंटरचेंज कर दिया गया तो इस गैल्वेनोमीटर जॉकी को हम सरकाएंगे और उधर की तरफ सरकाते हैं जिस गैप में लेस रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए तीन है, ये दो है, दो इधर आ गया और तीन इधर चला गया, और ये दो है, ये तीन है, तो दो इधर आ गया, तीन इधर चला गया, तो अब इसको किधर सरकाएंगे, लेस रेजिस्टेंस गैप इधर की तरफ सरकाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ये R एंड S इंटरचेंज, ठीक है, तो ये देखिएगा रेजिस्टेंस ऑफ R S, यानी क्या कहने का मतलब है, रेजिस्टेंस ऑफ R एंड S इंटरचेंज्ड, देखिएगा रेजिस्टेंस ऑफ R एंड S इंटरचेंज, जॉकी शिफ्ट टुवर्ड्स, यानी देखिएगा J शिफ्ट टुवर्ड्स, शिफ्ट टुवर्ड्स towards less resistance gap, less resistance gap, J
जिधर जिस गैप का रेजिस्टेंस कम होता है उधर की तरफ जॉकी क्या करता है, शिफ्ट करता है। जॉकी शिफ्ट टुवर्ड्स लेस रेजिस्टेंस गैप, यानी जॉकी उधर शिफ्ट करता है जिधर की तरफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देख लीजिए, इसमें अगला क्या है, पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर का जो सिद्धांत हो, जैसे इसका सिद्धांत व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, पोटेंशियोमीटर का जो सिद्धांत होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और उससे हम दो तीन काम, जैसे किसी अननोन सेल का ईएमएफ निकालने में, दो सेलों के ईएमएफ का कंपेरिजन करने में हम काम करते हैं, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करने में हम काम करते हैं। तो ये देखिए पोटेंशियोमीटर, चलिए भाई पोटेंशियोमीटर देख लेते हैं क्या पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर ये क्या, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका जो सिद्धांत होता है ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका सिद्धांत होता है, के इज इक्वल टू वी बाई एल, यानी क्या, अलोंग द लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियल डिक्रीजेस, अलोंग द लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियल डिक्रीजेस, ध्यान दीजिएगा अलोंग, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये इसका सिद्धांत होता है, अलोंग लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी वायर के लेंथ के अगर अलोंग हम चलते हैं तो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया के इज इक्वल टू वी बाई एल। अब हम इससे क्या तीन चीजें पढ़ेंगे, किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ निकालना, दूसरा काम किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना, ये ध्यान देना, और तीसरा काम किसी दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना, ये तीन काम हमको करने हैं, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए किसी भी सेल का इंटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल मतलब ईएमएफ, सबसे पहले ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ये देखो अननोन सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, जो अननोन सेल है उस अननोन सेल का ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। तो देखिए भाई इसके लिए करते क्या है, ये देखो ये सोर्स सेल होता है, ये देखो सोर्स, ये आपका रियल स्टेट आरएच होता है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है वी हो गया, और ये देखिए ये वायर का पोटेंशियोमीटर, ये इसका आरएस रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ये भी जो होता है वायर का पोटेंशियोमीटर होता है, ये भी क्या होता है वायर का पोटेंशियोमीटर। और फिर जिसके अननोन सेल के ईएमएफ को निकालना होता है उसको यहाँ निकालते हैं, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, आर डैश है, गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी जे है जो तार ए बी पे स्लाइड करता है, यानी क्या क्या चीज़ें दी गई होती हैं, वी जो होता है ध्यान देना ईएमएफ ऑफ सोर्स सेल, ई जो है ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स सेल है, आर एस जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज है, ठीक है, आर ए बी जो है ये देखिएगा आर ए बी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इसका भी रहता है, आर ए बी जो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ये देखिएगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, यानी वायर ए बी का ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, आर ए बी जो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी होता है, ध्यान दीजिएगा आर ए बी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, और ये जो होता है ये देखिए ये ईएमएफ होता है अननोन सेल का, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स सेल, आर एस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, आर ए बी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, मतलब आर ए बी जो हो गया वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या हो गया, ए बी हो गया, देखिए आर ए बी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए करंट दौड़ता है आपका, मतलब इसका क्या सिद्धांत होता है, इस जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड कराते हैं, इस जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड कराते हैं
मान लीजिए यल डिस्टेंस पे, ये देखिए यल डिस्टेंस पे हमको क्या है, यल डिस्टेंस पे जीरो डिफ्लेक्शन आ जाता है, जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब इससे कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जॉकी को इस पे स्लाइड कराएंगे, ठीक है। माना क्या, यल डिस्टेंस पर जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। चलिए भाई, यल डिस्टेंस पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो अगर यल डिस्टेंस पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होगा, देखो भाई के एल, बोलो भाई ईएमएफ अननोन सेल का, इस अननोन सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू के एल होगा। तो माना यल डिस्टेंस पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो ईएमएफ अननोन सेल का कितना होगा, के वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ई इक्वल टू के एल होगा। और नहीं तो एक बात याद रखिए, अगर यहां पर ध्यान दीजिए जीरो डिफ्लेक्शन आया है दूसरी तरह, या तो इससे निकल सकता है या तो इससे, अगर जीरो डिफ्लेक्शन आया है तो याद रखना एजे का पोटेंशियल डिफरेंस और अननोन सेल के ईएमएफ, अननोन सेल का ईएमएफ आपस में बराबर होगा। भाई अगर इस गैलोमीटर से जीरो डिफ्लेक्शन गया है तो याद रखना इसका मतलब इससे कोई करंट नहीं जा रही है, तो एजे का पोटेंशियल डिफरेंस और इस ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ दोनों आपस में बराबर होगा। और याद रखना इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बेकार होता है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जब इसमें करंट नहीं पास करेगी तो जो इसका ईएमएफ होता है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, ध्यान दीजिएगा इसको भी, यानी जीरो डिफ्लेक्शन केस में ई इक्वल टू क्या हो गया, वी ए जे, और वी ए जे क्या हो गया, आई आर ए जे, ये देखिएगा वी ए जे क्या होगा, आई आर ए जे, यही एक इकलौता फार्मूला है जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। यानी E इक्वल टू वी ए जे, वी ए जे इक्वल टू आई आर ए जे, आई आर ए जे का मतलब I क्या हो जाएगा, अब करंट कौन देगा, करंट ये देगा, ऐसे ही देखिए करंट ये देगा, करंट ऐसे आते हुए आते हुए आते हुए ऐसे करंट आपका इस प्रकार से करंट ऐसे चला जाता है। तो करंट I इक्वल टू ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ई एम एफ, एम एफ वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब R प्लस आर एस प्लस आर ए बी इंटू क्या हो गया, आर ए जे। देखना भैया यही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसपे क्वेश्चन आपका बनता है, इसी पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे सेम यही क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये आ गया दो वोल्ट आपका, ये आ गया एक ओम आ गया, ये आर एस आपका 99 ओम आ गया, ये आपका आर ए बी 10 मीटर है 100 ओम, और ये 10 मीटर है कितना है, यानी एक मीटर का 10 ओम, आइए 4 मीटर आ गया, तो कह रहा है कि अननोन सेल का ईएमएफ निकालो। देखना यही है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, या अननोन सेल का ईएमएफ दिया है तो पूछ दे कितने लेंथ पे आएगा, या अननोन सेल का ईएमएफ दिया है तो सोर्स सेल का ईएमएफ पूछ दे, अननोन सेल का ईएमएफ दिया सोर्स सेल का ईएमएफ पूछ दे। तो अब इसके लिए एक ही है, इकलौता फार्मूला है आपका ई इक्वल टू आई राज, आई का मतलब सोर्स ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इसमें जितना है, ठीक है। ये यानी ईएमएफ अननोन सेल का, अगर इसको आप याद रखते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ई इक्वल टू क्या होगा, ये देखना ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई राज, आई के लिए वी, वी कितना होगा ये देखो 2 होगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 1, प्लस आर ए बी कितना हो जाएगा 100, प्लस 99 इंटू आर ए जे, आर ए जे, आर ए जे कहाँ गया, आर ए जे 4 मीटर का कितना होगा 40 ओम होगा भाई, 4 मीटर का 40 ओम होगा, ये देखिए यानी ई इक्वल टू 80 अपॉन 100, 100 कितना हो गया 200, ठीक है, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी क्या हो गया 0.4 वोल्ट, क्या हो गया 0.4 वोल्ट हो गया, ये देखिए 0.4 वोल्ट हो गया। तो जो ईएमएफ हो जाएगा वो 2/5 या 0.4 वोल्ट हो जाएगा, ये देखिए ईएमएफ 2/5 या 0.4 वोल्ट हो गया, बोलो भाई हो गया 0.2/5 या 0.4 वोल्ट हो गया, ये ईएमएफ हो गया। और एक बात ये भी याद रखना, ठीक है, मतलब इसके लिए पोटेंशियोमीटर के लिए सोर्स सेल का ईएमएफ हमेशा अननोन सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए भाई, सोर्स सेल का ईएमएफ हमेशा अननोन सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पता चला कि यही सोर्स सेल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका हमको क्या है मेजर करना पड़ेगा।
तो ईएमएफ ऑफ सोर्स सेल ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, और इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल या इन दोनों का निगेटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्ट होता है। आइदर पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल कनेक्टेड टू पॉइंट ए से कनेक्ट होता है। और ए बी का जो रेजिस्टेंस होता है, ए बी का रेजिस्टेंस इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। ए बी का जो रेजिस्टेंस होता है इसके सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ए बी का रेजिस्टेंस इसके सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है भाई, ए बी का रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया। अब इसमें देखिए, ठीक है, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना कैसे करेंगे, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना कैसे करते हैं। और ध्यान देना, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ही कम होगा इसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी का मतलब वो उतना ही अच्छा मेजर करेगा, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, तो चलो भाई, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना। अब देखो इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये आपका सोर्स सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। हाँ, इसके लिए सेल का कम्बिनेशन आपको आना चाहिए। अगर सेल का कम्बिनेशन आपको नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। सेल का कम्बिनेशन आपको आना चाहिए, जब तक सेल का कम्बिनेशन आपको नहीं आएगा आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ए बी है, ए बी दिया गया है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये आपका, देखिए ये सेल आपने लगाया है, ये सेल लगाया, ठीक है, ये सेल है ई1 और यहाँ की के वन लगाया, और ये देखिए ये सेल है ई टू और ये आपने की के टू लगाया। देखिएगा सेलों का कम्बिनेशन, ये आपका क्या हो गया, गैलोमीटर, और ये जॉकी हो गया। तो पहले कंडीशन में हम क्या करते हैं, के वन को क्लोज करते हैं, के टू को ओपन करते हैं। देखिएगा पहले कंडीशन में क्या करते हैं, के वन क्लोज और के टू को ओपन करते हैं। तो बच्चों ये बताओ, अगर K1 क्लोज होगा और K2 ओपन होगा तो ये वाला सेल काम करेगा, ये तो सेल काम करेगा नहीं, और हम इस जॉकी को इस बार सरकाएंगे तो कहीं एक ऐसा लेंथ आएगा जीरो डिफ्लेक्शन, मान लो L1 आ गया, तो ये बताओ E1 इज इक्वल टू क्या होगा, KL1। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, K2 को क्लोज करते हैं और K1 को ओपन कर देते हैं और फिर हम जॉकी को सरकाते हैं, तो E2 टू इक्वल टू क्या आएगा, KL2। ठीक है, E2 क्या आएगा, KL2, कहता आएगा KL2, ये देखिएगा KL2। अब देखिए दोनों के रेशियो का E1 अपॉन E2 टू इक्वल टू L1 बाई L2, ये दो सेलों के EMF की हम तुलना करते हैं, ये ध्यान देना, दो सेलों के EMF की हम तुलना करते हैं। ठीक है भाई, ये देखिएगा दो सेलों के EMF की तुलना करते हैं। ठीक, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है, यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि ये देखिए दो सेल लगे हुए हैं ऐसे E1 E2, A है B है, अगर इनके बीच में पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, पोटेंशियोमीटर लगा है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, 12 मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 मीटर आ रहा है, मान लीजिए। ठीक है, अब यही अगर मान लीजिए सेल ऐसे हो गए, ये ई वन है, ये ई टू है, ई वन ई टू से बड़ा है, अब अगर पोटेंशियोमीटर करने हैं, पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड, नाउ पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड, ठीक है, ए एंड बी किसके किसके बीच, जीरो डिफ्लेक्शन हो गया, कितना हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन 3 मीटर हो गया, कितना हो गया 3 मीटर। फाइंड ईवन बाई ई टू, क्यों भाई क्वेश्चन को समझे हैं क्या है, अभी मत सोचिएगा कि सर इस तरह का चित्र नहीं बनाया है,
क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो सेल E1 और E2 ये देखिए लाइक वे से कनेक्ट हैं, लाइक वे से कनेक्ट हैं। अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर कनेक्ट है, ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर कनेक्ट है, ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर कनेक्ट है, तो लेंथ ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, लेंथ ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो 12 मीटर आ रहा है। अगर ये रॉन्ग वे से कनेक्ट है E1 E2, तो लेंथ ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वह 3 मीटर आ रहा है, लेंथ ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वह 3 मीटर आ रहा है। तो आपसे कहा यह जा रहा है कि E1 और E2 का रेशियो आपको बताना है क्या होगा, E1 और E2 का रेशियो बताना है। तो चलिए देखते हैं, तरह का क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट में, E1 और E2 का रेशियो आपको बताना है क्या है। तो चलिए भाई E1 और E2 का रेशियो, तो E1 और E2 का रेशियो बताना है, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 पहले केस में के कितना आ रहा है, के इंटू 12 आ रहा है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्यों, देखो प्लस प्लस आपस में कनेक्ट हैं, अगर प्लस प्लस आपस में कनेक्ट होता है तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा, और E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 3। चलिए भाई दोनों को रेशियो कर दीजिए, 3 से कितनी बार जाएगा, 4। ये देखो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू 4/1, या E1 प्लस E2 4E1 माइनस 4E2, ये तो हो गया। ये देखो 4E1 इधर आया, कितना हो गया, देखिए 4E1 अगर इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3E1, और ये इधर गया कितना हो गया, माइनस 5E2। ये बताओ E1 बाई E2 इक्वल टू कितना हो गया, 5/3। बोलो बच्चों सही है, E1 और E2 का रेशियो कितना हो गया, 5/3। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक। अब इसी में एक और चीज आता है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल, उस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल, मतलब अननोन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, उस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। चलिए भाई टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल, चलिए भाई टू फाइंड, ये क्या हो जाएगा, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल, ठीक है भाई, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। अब चलिए भाई इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन सेल का क्या हो जाएगा, कैसे, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल, तो इसके लिए क्या करते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, ये देखिए इसके लिए ये आपका सोर्स सेल होता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर वही काम, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर होता है, यहाँ देखो यहाँ सेल को हम लगाते हैं, देखो इधर या तो पॉजिटिव कनेक्ट होगा या तो निगेटिव, कहीं अगर इस तरह से ऐसे, और यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, ये देखिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये देखो ऐसे K2, ये गैलोमीटर हो जाएगा, और ऐसे ये जॉकी लगेगा, ये जॉकी लग गया, मतलब ये V हो गया, R हो गया, ये जॉकी इस प्रकार से लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहला काम K1 को क्लोज करेंगे, K2 को ओपन करेंगे, और इस जॉकी को इस वायर AB पे स्लाइड कराएंगे, कहीं एक कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, मान लो वह L1 मिलता है, क्या मिलता है, L1 मिलता है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम देखिए K1 को क्लोज्ड करेंगे, देखिए क्लोज्ड, और K2 को ओपन करेंगे, क्यों भाई, K1 क्लोज होगा और K2 ओपन होगा, K1 क्लोज होगा और K2 ओपन होगा, और इस जॉकी को इस पर स्लाइड कराएंगे, जॉकी को इस पर स्लाइड कराएंगे, लेट बैलेंस पॉइंट क्या मिला है, ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या मिला है, ये L1 हो गया, बोलिए जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट कितना हो गया, L1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होगा, K L1। दूसरे केस में क्या करेंगे, K1 एंड K2 देखिएगा बोथ क्लोज्ड, दोनों क्या है, क्लोज होगा, और K1 और K2 अगर दोनों क्लोज होता है तो याद रखना इसका EMF नहीं होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब अगर K1 और K2 दोनों क्लोज हो जाता है तो इसका EMF नहीं होगा, याद रखना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब
अगर के वन और के टू दोनों क्लोज हो जाता है, तो अब दोनों, तो अब बैलेंस लेंथ कितना मिलेगा, एल टू मिलेगा। तो अब ई एम एफ नहीं, क्योंकि जब इसको क्लोज कर दिया गया, दोनों क्लोज किया गया है, तो अब इसका ई एम एफ नहीं रीड करेगा, ये अब पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा तो वी इक्वल टू कितना होगा, के एल टू। देखिए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल टू, वी इक्वल टू के एल टू, या ई बाई वी इक्वल टू, ये देखिए ई बाई वी इक्वल टू एल वन बाई एल टू। बोलो भाई, ई बाई वी इक्वल टू एल वन बाई कितना, भाई ई बाई वी इक्वल टू एल वन बाई वी। और किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल आर इक्वल टू, अभी आज ही बताया है, ई बाई वी माइनस वन, या कैपिटल आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। तो बताओ किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें रख के आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब चलिए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। भाई पूरे इलेक्ट्रिसिटी से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 12th पार्ट आपका 11th पार्ट से इंपॉर्टेंट होता है, 12th पार्ट 11th पार्ट से इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, चलो भाई, तो भाई जूल्स जो हीटिंग इफेक्ट था उसका क्या फार्मूला है, एच इक्वल टू या तो वी स्क्वायर बाई आर टी होता है, या तो आई स्क्वायर आर टी होता है, या तो वी आई टी होता है, या तो इसी को पी इंटू टी कहते हैं, या तो पी इंटू क्या कहते हैं, टी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा पी इंटू टी। देखो पी इंटू टी जूल्स हीटिंग इफेक्ट का, ठीक, इसी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर इक्वल कर दे, तो ये कोई फार्मूला जो होता है, या तो ये एम एस डेल्टा थीटा के बराबर होगा, या तो एम एल के बराबर होगा, या तो ये एम एस डेल्टा थीटा प्लस एम एल के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अब एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं घरों में जो यूज होता है, उनके लिए हम कोशिश करते हैं बीस पर बाई आर टी फार्मूले लगाने के लिए। जितने घरेलू अप्लायंस होते हैं, जैसे हीटर गीजर मीटर, चूंकि घरेलू वायरिंग जो होती है वो पैरेलल कम्बिनेशन में होती है एक तरह से, वैसे हम डीसी पढ़ रहे हैं एसी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं वी स्क्वायर बाई आर टी, मतलब हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। और जितने जैसे इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं कुछ भी होता है, तो उसमें हीट जो होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ने की कोशिश करते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और वहां हीट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर होता है। वहां जो हीट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसमें देखिए अक्सर जो होता है वाटर आता है, वाटर, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ध्यान देना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, उसको तीन तरह से बताया जाता है, ठीक है। ये देखो यस इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यस इक्वल टू 10^3 कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, एस इक्वल टू 4.2 × 10^3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट के अनुसार इसकी वैल्यू लीजिएगा। जनरली जो स्टूडेंट होते हैं हम देखते हैं वह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है, वह 1 1 1 चिल्लाते हैं, लेकिन 1 तब होता है जब कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1 तब होता है जब कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं तो जनरली 10^3 कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या यस इक्वल टू 4.2 × 10^3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये देखिए जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यस इक्वल टू 4.2 × 10^3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस प्रकार से होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कोई क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ए टैप सप्लाई वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए टैप सप्लाई वाटर, ध्यान दीजिएगा टैप क्या कर रहा है, क्वेश्चन है ए टैप सप्लाई वाटर, टैप सप्लाई वाटर कितना एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ए मैन रिसीव्ड 1 लीटर वाटर पर मिनट, देखिएगा 1 लीटर वाटर
पर मिनट फ्रॉम गीजर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 37 डिग्री, वन लीटर वाटर फ्रॉम पर मिनट फ्रॉम गीजर एट 37 डिग्री. फाइंड पावर ऑफ गीजर, आपको गीजर का पावर बताना है क्या होगा. फाइंड पावर ऑफ गीजर, आपको गीजर का पावर बताना है. ठीक है भाई, समझ रहे हैं. तो ए टैप सप्लाई वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ए मैन रिसीव्ड वन लीटर वाटर पर मिनट फ्रॉम गीजर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड पावर ऑफ गीजर, आपको गीजर का पावर बताना है, ये फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे. पावर पी इंटू टी, यही तो होगा गीजर के द्वारा दी गई हीट. मान लो गीजर का अगर पावर पी है तो गीजर के द्वारा दी गई हीट कितनी होगी, पी इंटू टी. ठीक है, और जो रिसीव कर रहा वाटर वह कितना है, हीट टेकन बाई क्या, हीट टेकन बाई वाटर, वाटर जो हीट ले रहा है वह कितना हो जाएगा, एम एस डेल्टा थीटा. बोलिए भाई ये तो हो जाएगा पावर पी, टी कितना हो जाएगा, ये देखिए 60 हो गया. मास कितना दिया है, मास 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 देखिए मास कहीं है, हाँ है, तो मास कितना हो गया 1. यस क्या है, 4.2 इंटू 10^3, सब जूल में है तो इस तरह ले लिया. डेल्टा थीटा 37 में 27 10, सॉल्व कर देंगे पी 642 700 वाट आएगा. ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा. फिर इसी में क्वेश्चन आता है कम्बिनेशन ऑफ हीटर, हीटर का कम्बिनेशन क्या है, तो चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं. कम्बिनेशन ऑफ हीटर, ये ध्यान दीजिएगा कम्बिनेशन ऑफ हीटर, हीटर का कम्बिनेशन कैसे होता है. चलो भाई, कम्बिनेशन ऑफ हीटर, हीटर का कम्बिनेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि एक हीटर ये है किसी सर्टेन अमाउंट को T1 टाइम में गर्म कर दे रहा है, दूसरा हीटर ये है वह T2 टाइम में गर्म कर दे रहा है. अगर दोनों को सीरीज में जोड़ा जाए, सीरीज में ये देखिएगा, सीरीज में ऐसे एक हीटर हो गया इस सीरीज में, अब वो सर्टेन अमाउंट वाटर को कितने टाइम में गर्म कर देंगे, तो इसके लिए देखिए क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर टी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा. यानी अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो T1 प्लस T2 होगा, या आप खुद सोच सकते हैं अगर सीरीज में हम जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो उतने टेम्परेचर तक हीट करने में अब ज्यादा समय लगेगा. अगर यही हीटरों को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो पैरेलल में खुद सोच सकते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाएगा, करंट बढ़ जाएगी, इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वह कम समय में हीट हो जाएगा. यानी देखिए ये अगर पैरेलल में जुड़ गया हो, देखिए ये अगर पैरेलल में जुड़ गया, तो पैरेलल में जुड़ गया हो और सेम अमाउंट ऑफ हीटर हीट कर रहे हैं, तो ये देखिए टी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2. ये देखिए टी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 हो जाएगा. क्यों भाई, सही है. एंड टी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए टी पी इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा. तो अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं तो ये हो गया आपका कम्बिनेशन ऑफ हीटर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिएगा फ्यूज वायर बहुत पूछता है, फ्यूज वायर बहुत पूछा जाता है, फ्यूज वायर. चलिए भाई फ्यूज वायर देख लेते हैं, फ्यूज वायर क्या है. फ्यूज वायर आप जानते हैं कि आपके घरों में मेन सप्लाई में लगा होता है. ठीक है, फ्यूज वायर जो होता है वह क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस का सब्सटेंस होता है. हाई रेजिस्टेंस का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए जो करंट ज्यादा होती है सर्किट में तो ये टूट जाता है और आपके घरों में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह साफ साफ बच जाते हैं. फ्यूज वायर में जो करंट होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे 3/2 होती है और ये टिन और लेड का बना होता है, ध्यान दीजिएगा SB और PB, एंटीमनी और टिन और लेड का ये बना होता है. ठीक है ना, टिन और SN, टिन और लेड का बना होता है, वो देख लीजिएगा क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, टिन और लेड का बना होता है. ठीक है ना,
आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे 3/2 होता है, इसमें करंट जो होता है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन पे 3/2 होता है। और याद रखना कि करंट जो होती है फ्यूज वायर के लेंथ से इंडिपेंडेंट होती है, ये ध्यान देना, करंट इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ फ्यूज वायर, यानी करंट जो होती है फ्यूज वायर के लेंथ से इंडिपेंडेंट होती है, ध्यान देना, करंट इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर के लेंथ से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें पावर क्या होता है, कैसे पावर, एक बात ये बताओ, मार्केट से कोई भी अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीद के लाओगे तो उस पर क्या क्या प्रिंट रहता है, देखिए भाई मतलब देखिए पावर क्या हो जाएगा, पावर के सेम यही फार्मूले होंगे, पावर का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर और वी आई, ठीक है, ये ध्यान देना पावर के लिए, ये पावर हो जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीद के लाते हैं तो याद रखिएगा उस पर दो चीजें प्रिंट रहती हैं, एक उसका पावर प्रिंट रहता है और एक उसका वोल्टेज प्रिंट होता है, ये देखिएगा दो चीजें प्रिंट होती हैं, एक पावर प्रिंट होता है एक उसका वोल्टेज प्रिंट होता है, देखिए एक पावर प्रिंट होगा एक वोल्टेज, तो उससे आप दो चीजें निकाल सकते हैं, करंट आई इक्वल टू पी बाई वी और आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी निकाल सकते हो, देखिए रेजिस्टेंस और करंट आप निकाल सकते हैं, करंट आई इक्वल टू पी अपॉन वी हो जाएगा, ये देखिए करंट आई इक्वल टू पी अपॉन वी हो जाएगा और रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा पी, तो दो चीजें आप वहां से फाइंड कर सकते हैं, एक क्या आई इक्वल टू पी बाई वी और रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन कितना पी, वी स्क्वायर अपॉन कितना पी, देखिए दो चीजें आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, बोल रहे हैं आप लोग, दो चीजें फाइंड कर सकते हो ना, एक रेजिस्टेंस और दूसरा क्या करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का कैसे होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब हैं और सारा आप डीसी सप्लाई से पढ़ रहे हैं, इनका पावर पी वन है, इनका पावर पी टू है, इनका पावर पी थ्री है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए वन बाई पी एस इक्वल टू वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू प्लस, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ा जाता है देखिए इक्विवेलेंट पावर घट जाता है, और यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये देखो पी वन हो गया और ये क्या हो गया, ये पी टू हो गया और ये क्या हो गया, ये पी थ्री हो गया, इस तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो पावर पी पी इक्वल टू क्या होगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री हो जाएगा, ठीक है ये ध्यान देना, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री हो जाएगा, ये पावर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो पी पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री हो जाएगा, ठीक है बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, थ्री आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, पावर लॉस 10 वाट, थ्री आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, देखिएगा थ्री क्वेश्चन है, थ्री आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, थ्री आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, पावर लॉस 10 वाट, देखिए पावर लॉस 10 वाट है, पावर लॉस कितना दिया है 10 वाट, इफ ऑल बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड पावर लॉस, आपको पावर लॉस फाइंड करना है, ठीक है देख रहे हैं, थ्री आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, तीन आइडेंटिकल बल्ब सीरीज पे कनेक्ट हैं, पावर लॉस जो दिया गया वह 10 वाट, इफ ऑल बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड पावर लॉस, तो ये देखिए पावर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज में अगर कनेक्ट है तो 10 इक्वल टू वी स्क्वायर, वोल्टेज तो एक ही है 3R, बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं, 10 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 3R, देखिए रेजिस्टेंस से आप उससे भी कर सकते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा तो वोल्टेज तो वही है, ये R बाई 3 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पावर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 वाट, ठीक है भाई समझ रहे हैं, पावर पी इक्वल टू 90 वाट हो जाएगा, ठीक।
अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो जो ब्राइटनेस होता है बल्ब का, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब है, इफ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या होता है, यानी क्या है, इफ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब कनेक्ट है तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ध्यान दीजिएगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, यानी क्या कहने का मतलब है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, जिसका पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, ये क्या होता है, ऐसे दिया है, एक बल्ब ये दिया है, एक बल्ब ये, और ये वोल्टेज है, ये 220 वोल्ट है, और ये आपका 220 वोल्ट और 100 वाट है, और ये 220 वोल्ट और 200 वाट है, तो कौन बल्ब का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, 100 वाट बल्ब का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, यानी क्या होगा, 100 वाट बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये देखिएगा 100 वाट बल्ब का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। अब ये कहा जाए कि मेन सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट, अगर मेन सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट, विच बल्ब फ्यूज फर्स्ट, तो यहां देखिएगा जो तेज जलेगा वही तो फ्यूज होगा, मेन सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट, ठीक है, तो 100 वाट बल्ब फ्यूज फर्स्ट, ये देखिएगा पहले ये फ्यूज होगा, जब वो फ्यूज हो जाएगा तो दूसरा सेफ बच जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी, अब भाई अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो 100 वाट बल्ब का ब्राइटनेस क्या है, मेन सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट है, तो 100 वाट बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज फर्स्ट, वह जो बल्ब होगा वह पहले फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज फर्स्ट, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, पावर के होगा, ये ध्यान देना, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, तो बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, पावर होगा, ध्यान दीजिएगा, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पावर, जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ध्यान देना, जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। जैसे देखिए यही सेम क्वेश्चन है, ये 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट है, और ये देखिए ये 200 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट है, और ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये भी वोल्ट की बैटरी है, ये भी वोल्ट की बैटरी है, तो अब बताइए किसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा इसमें, किसका पावर ज़्यादा है, 200, तो इसमें क्या होगा, ब्राइटनेस ऑफ 200 वाट बल्ब का ब्राइटनेस, ध्यान दीजिएगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर, इफ कहा जाए कि मेन सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट हो गया, इफ मेन सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट, अगर मेन सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट हो गया तो विच बल्ब फ्यूज फर्स्ट, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, ठीक है, विच बल्ब फ्यूज फर्स्ट, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, याद रखिएगा बोथ बल्ब फ्यूज टुगेदर, क्योंकि दोनों के क्रॉस तो वोल्टेज बढ़ गया ना, 440 वोल्ट यहां भी हो गया, 440 वोल्ट यहां भी आ गया, तो बोथ बल्ब फ्यूज टुगेदर, यानी दोनों बल्ब जो हैं वह एक साथ फ्यूज होंगे, यानी बोथ बल्ब फ्यूज टुगेदर, दोनों बल्ब एक साथ फ्यूज होंगे, बोथ बल्ब फ्यूज टुगेदर एक साथ फ्यूज होंगे, ये ध्यान देना, बोथ बल्ब फ्यूज टुगेदर, यानी दोनों बल्ब जो हैं वह एक साथ फ्यूज होंगे,
कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं सारी चीज़ें? भाई जरूर क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो बोथ बल्ब फ्यूज टुगेदर, ए बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। ठीक, अब देखिए इसमें इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी, इफिशियंसी वही आपका आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है भाई, तो इस तरह से मैंने बेटा क्या है, जितने भी चीज़ें हैं उसको मैंने रिवाइज कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा 6 से 7 लेक्चर का पार्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे चलेंगे। किस में चलेंगे? 7 क्वेश्चन भाई उससे भी आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। अब इसके क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसका दोनों आपका पूरा क्वेश्चन आपके क्या है, गूगल ड्राइव पे गया है, उस गूगल ड्राइव पे देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।